बहुत दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसके बाद देख रहा है कि जब मार्केट वो सपोर्ट के पास आ रहा है या रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो जो नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे थोड़ा और स्लिपेज हो रहा है, मतलब कि और नीचे जा रहा है। तो हम लोगों का क्या जो नंबर आ रहा है सपोर्ट और 5-10 पॉइंट बफर लेना क्या उसका नंबर जो हमारे 930 के आसपास के लेवल्स होते हैं उसी से स्टिक रहना है। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम थोड़े बहुत जान गए हैं ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग क्या होता है, फिर भी एंट्री करते हैं डर लगने लगता है, और ये डर खतरनाक जब बन जाता है, जब हमारा लॉस हो रहा होता है तो उम्मीद बन जाता है, उम्मीद आ जाती है कि अरे आएगा, जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हमारी डर बढ़ जाती है, जब लॉस हो रहा होता है तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। लॉस में तो हम लोग रुके रह जाते हैं लेकिन प्रॉफिट में नहीं रुक पाते हैं, एक तो ये। दूसरी डर है कि हम लोगों ने इतना लॉस कर लिया है कि वो नहीं कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ऐसा हो गया है। 10 रुपए ग्रीन में क्या दिखा, निकलने से रोक नहीं पाते हैं खुद को, भागो भागो पता नहीं कब लाल हो जाए, फिर निकल जाओ। जैसे निकलते हैं उसके बाद दिन भर देखते रहते हैं मार्केट को, ऊपर जाता रहता है, हम अफसोस मनाते रहते हैं। अगले दिन डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलते हैं, मार्केट थोड़ा सा ग्रीन करके रेड बना देता है, फिर हमारी इमोशन की ऐसी की तैसी कर देता है। और दूसरी बात है, हम अपनी सोच पे भरोसा नहीं रख पाते हैं, कहीं दूसरे का मैसेज देख लेते हैं तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ये बोल रहा है मार्केट जाएगा। हम लोग अपने आप पे क्वेश्चन भी नहीं करते कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, कुछ भी नहीं, बस हाँ अरे उसने बोला है तो सही होगा, डर बढ़ जाता है जिसके कारण से हम रुक नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे डर हैं। और एक बात, आपको लगता होगा कि मैं हमेशा प्रॉफिट करता हूँ, नहीं, मैं भी अभी नेट प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं 10-12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एफएनओ में, अभी अगर 10-12 साल का पीएनएल देखा जाए तो मैं भी नेट प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, अभी हाल फिलहाल में चलने लगा, अच्छा स्मूथ चलने लगा, इसके लिए बहुत अभी भी इमोशनल प्रॉब्लम मुझे भी होती है, सबको होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे मुझे कोई डर नहीं लगता, लगता है भाई, सबको डर लगता है। जब लॉट क्वांटिटी में बढ़ा देता हूँ ना एक्सपायरी के टाइम में, जैसे जनरली मैं 8-10 स्लॉट से करता हूँ, एक्सपायरी के दिन 50 स्लॉट 100 लॉट हो जाते हैं, तब डर लगता है, 5-5 पैसे पे भी इमोशन चेंज होते हैं, अभी भी होते हैं, पता है कि हाँ ये यहाँ तक जाएगा फिर भी डर लगता है। तो ये आपने आपको अकेला मत समझिए कि अरे मुझे ही डर लगता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं क्या ही कर लूंगा, छोड़ दूं क्या, छोड़ भी नहीं पाते हैं रह भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लॉस ही होना है, खुद पे भरोसा रखिए। और एक और बात, ट्रेडिंग ना सबसे डिफिकल्ट जॉब है पैसा कमाने के मामले में। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ट्रेडिंग सबसे आसान है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ता, धूप गर्मी कुछ नहीं, एसी वाले रूम में बैठो, सिर्फ मॉनिटर देखना है, मोबाइल देखना है, हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें लगता है। और ये आज अगर हाँ एक और बात, हम लोग क्या करते हैं ना कि लॉस हो गया सुबह सुबह तो पूरा दिन खराब कर लेते हैं, क्यों करते हैं वो 5 बजे के बाद पता चलता है, अरे अच्छा तो मैं रुक जाता, 5,000 तो लॉस हो रहा था, 5,000 रुक जाता तो पता नहीं होता है, लेकिन हम रुकते नहीं है, रिवेंज मोड में चले जाते हैं कि कैसे भी करके उसको कम से कम जीरो तो हो जाए, मेरा घाटा नहीं चाहिए मुझे, एटलीस्ट जीरो पे मैं एंड कर पाऊं बहुत रहेगा, कैसे भी करके जीरो करो, हर ट्रेड में लॉस होता है। फिर अगला लॉस का कारण होता है कॉल से निकले पुट में कूद पड़े, जैसे कॉल से निकले कूद पड़ते हैं हम लोग, जैसे पुट में कुत्ते हैं ग्रीन कैंडल बन जाता है उसमें लॉस होने लगता है, वहां से निकल जाते हैं, फिर कॉल में चले जाते हैं, ऐसे कॉल पुट कर करके 20-25 ट्रेड तो कर देते हैं, एट द एंड क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। अगर अपना उस दिन का ट्रेड एनालिसिस करेंगे ना तो एक या दो में किसी में होगा 400-500 रुपया फायदा, बाकी सब में 1,000-2,000-3,000 लॉस होंगे, वो एड होके इतना बड़ा बन जाता है ना कि आपको इमोशनली हिला देता है। इसका उपाय क्या हो सकता है, प्रॉब्लम तो सब है मुझे पता है, आप लोग और बताएंगे, इतने लोग हैं यहाँ पे उनका भी कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है स्टार्ट फ्रेश, धीरे धीरे बेबी स्टेप, एक लॉट से शुरू करेंगे, दिन में 2 ट्रेड करेंगे 3 ट्रेड करेंगे उससे ज्यादा नहीं करेंगे, लॉस लेंगे कॉन्फिडेंस से लेंगे कि हाँ आज मैंने लॉस 2 ही किए हैं ट्रेड में, 3 ही ट्रेड मेरा लॉस वाला था, चौथा मैंने किया ही नहीं, खुद पे कंट्रोल, खुद पे जब तक कंट्रोल नहीं पाएंगे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, कुछ भी कर लीजिए नहीं बन पाएंगे, ठीक। और आज का टॉपिक सिर्फ ये साइकोलॉजी पे है, बाकी ट्यूटोरियल है ना यूट्यूब पे देखिए, 7:30 को क्लासेस भी होती है, वहाँ पे डाउट पूछिए, आप लोगों को अपने पे भरोसा रखना चाहिए, सीखने के लिए मौके मिलेंगे, पूरे मौके मिलेंगे, अभी समझने का मौका है। हम लोग जब तक ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन एज अ बिजनेस नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप बस एक सिंपल मैथ कीजिए कि डेली 1,000 रुपया मैंने किया, डेली 1,000 रुपये किए तो 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के,
अगर छुट्टी ना हो तो 18-20 दिन होते हैं, 18-20 हजार बना सकते हैं आप। जो बड़े बड़े इंजीनियर को उतनी सैलरी मिलती है आजकल, बड़े बड़े मतलब क्वालिफाइड डिग्री वाले को 20-25 हजार मिलती है। आप बैठ के आराम से कमा सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, वो भी 20-25 हजार के। लेकिन वही आप सोचेंगे डेली मेरे को 10 हजार चाहिए, डेली 50% का ग्रोथ चाहिए, तो एक महीना अगर डेली आप भी कर पाए, मतलब 10 का 15 भी कर पाए, तो आप समझिए महीने का कितना हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी हो गया 4-5 हजार हो गया, कभी 1 हजार में खुश रहिए, कभी 500 में खुश रहिए, कभी 2 हजार लॉस में खुश रहिए। मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिनको ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत है, कि आप 3 ट्रेड का रूल्स बना लीजिए। 3 ट्रेड करूंगा मैं, पहला 2 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया तो तीसरे में नहीं जाऊंगा, पहला 2 लॉस हो गया तो तीसरे में नहीं जाऊंगा, पहले 2 में 1 प्रॉफिट 1 लॉस हुआ तो तीसरा करूंगा, तीसरे में जो होगा वो बंद कर दूंगा। ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। हरा कैंडल पे हम लोग कॉल का नहीं लेंगे, हर लाल कैंडल पे पुट नहीं लेंगे, अपने लेवल्स का इंतजार करेंगे। आया ट्रेड तो ठीक है, नहीं आया तो देखेंगे सीखेंगे। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी भी नहीं है, हर दिन ट्रेड लेके लॉस करने से अच्छा है 1 दिन ट्रेड लें लेकिन प्रॉफिट करें। चलिए अब एक एक करके समस्या सुनते हैं, उस पे बातें करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रही है सर? हाँ, गूगल मीट में ही कर रहा हूँ सर। जैसे कुछ स्क्रीन शेयर करने वाला तो सीन है नहीं, तो इसमें भी ठीक रहेगा। आपको यहाँ पे जितने लोग है ना, सभी वही रास्ता हो गया है, कोई पहले दिन से प्रॉफिट करके नहीं आया है। शुरू के 2-3 दिन प्रॉफिट होते हैं, लेकिन एक फेज आता है जिसमें आप सिर्फ लॉस करते हो, समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है, लेकिन आपको लड़ना है कैसे भी करके मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसने तो PNL शेयर किया था, उसने इतना कमाया था, मैं क्यों नहीं कमा सकता, उससे तो मैं बेटर क्वालिफाइड हूँ। वो छोड़ दीजिए, वो अलग है, आप अलग है, हम लोग साथ में है। यहाँ पे 100 लोग है, 100 का अलग अलग माइंड सेट है, सबका अलग अलग तरीका है। चलिए अब एक एक करके हैंडल्स करेंगे, हम लोग बातें करेंगे। जी कामेश सर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली सर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैं पिछले 6 महीने से ही वर्क कर रहा था जी, तो उसके कुछ रीजंस हैं और कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसको जुलाई के बाद से स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तो रिजल्ट तो आया है। हाँ बताइए, अब सब बाकी सबसे भी शेयर कीजिए कि आप तो, समस्या क्या थी, आपने समाधान कैसे निकाला। जी जी जी, मेरे पास लगभग उस तरीके का अगर मैं देखा जाएगा तो ओवरऑल 10 पॉइंट्स हैं जो रीजंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पीछे, जिसका पहला है आपका ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। एक्चुअली होता क्या है सर कि जो भी नए नए आते हैं ना, वो सिर्फ प्रॉफिट देख के घुस जाते हैं, लेकिन होता क्या है उसको पता नहीं रहता। तो सबसे पहला रीजन उनका लॉस होने का, एक तरीके से फेल्योर होने का वही होता है। और सेकेंड है आपका सर, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक गैम्बलिंग। क्विक मनी है ना। जैसा वही, क्योंकि आप देखिएगा सर, जितना प्रॉफिट हम लोग दिन भर में करते हैं, हीरो जीरो के चक्कर में हम लोग सारा गंवा भी सकते और गंवा भी देते हैं, मैक्सिमम वही होता है। तो जब से मैंने AOC को फॉलो किया है, पहले तो हीरो जीरो करता भी था, अब तो वो धीरे धीरे कम कर रहा हूँ सर। हीरो दो हो गया सर। तीसरा है सर इमोशनल ट्रेडिंग। ये बहुत सारे कोई का, अभी जैसे आपने बताया कि सर एक रेड कैंडल देखते हैं तो पुट ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल देखते हैं तो कॉल ले लेते हैं, तो जहां आप इमोशन को हावी होने देंगे, मार्केट आपका घर से पैसा ले जाता है, इमोशन और लालच। हाँ यही है सर, फियर एंड ग्रीड, वही इमोशनल ट्रेडिंग पे फियर एंड ग्रीड। आपने सुना भी होगा, मैं कई बार बोलता हूँ कि आज का हो गया है, अब बंद कर देते हैं। हाँ जी, आपका इसीलिए सर बुलाती है, मार्केट बुलाती है, जाने का नहीं, बुलाती है, कह रहे तो बहुत पैसा ले लिया, थोड़ा तो वापस कर जा। और वही सर AOC को फॉलो किया तो देखा हूँ सर, 2:30 बजे के बाद मैक्सिमम लॉस मेरा होता था, उस पे कंट्रोल हो गया है, तो वो थोड़ा सा हो गया, वही इमोशनल ट्रेडिंग पे वही फियर एंड ग्रीड हो गया सर। फोर्थ पॉइंट है सर, एक तरीके से जी हाँ कंटिन्यू करूं सर। हाँ तो फोर्थ पॉइंट तक सर मेरा उत्साह, कोई भी सर अभी आता है सर नया नया, तो सुबह में देखता है कि ग्रीन कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, तो वही जोश जुनून में घुस जाता। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था सर हमारा फिफ्थ, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मीनिंग है सर कि जैसे मान लीजिए अगर सुबह में अगर हम फर्स्ट लॉट पे एंट्री किए और हमारा वो लॉस खा गया, मतलब 10 पॉइंट का SL ही लग गया, तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको फिर एक तरीके से मार्केट से लड़ने लगते हैं, तुम मेरा 500 लिया था, हम तुमसे 1000 लेंगे। नहीं तो मेरा 500 वापस तो ले लूंगा। हाँ वही वही सर, रिवेंज ट्रेडिंग के कारण ही और 500 हमको देना पड़ जाता है, फिर उससे लड़ने लगते हैं कि 1000 ले लेंगे। 500 नहीं 2500 देना पड़ जाता है। हाँ तो वही 500 के चक्कर में सर उससे लड़ते लड़ते रिवेंज करते करते वो 500 का 2500 चलता। और एक सर मेरा 6th पॉइंट है, ट्रेडिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
ठीक है सर। और AOC को फॉलो करने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा ये था ये दूर हो गया, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए अभी ग्रीन कैंडल बना हमारे लेवल से ऊपर चला गया तो 80-90% ट्रेडर्स को लगता है कि ये मौका मेरे से चूक गया। काश हम लिए रहते, जो काश वो हम किए रहते तो हम मेरे पास इतना होता। जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है सर कि ये चीज मेरे से छूट गया, तो यही छूटने का डर के कारण सर बहुत सारे को नुकसान। तो बस वही लेवल में बाजार को पता है कि तुमको अब लग गया है कि अब छूट गया है, तो मौका देगा, दोबारा एंट्री करवाएगा। हाँ वही वही, इसीलिए सर बार बार हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। अगर रिटेस्ट मिला तो हमारे लिए वो डबल बेनिफिट हो जाता है। वो ट्रेडिंग ऑफ फोमो जो हो गया हमारे सर, ये AOC को फॉलो करने से दूर हुआ। उसके बाद एक और होता है सर, ओवर एनालिसिस। ओवर एनालिसिस करने का मतलब है सर, मैंने पहले बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज किया था, RSI हो गया, MACD हो गया, बहुत सारे बैंड है, ये वो दिस दैट, सबका अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। लेकिन सर ओवर एनालिसिस के कारण ही हमारा बहुत सारा लॉस होता है। कोई इंडिकेटर हमको कॉल बताता है, कोई इंडिकेटर हमारा पुट बताता है, वहीं पे हमारा माइंड काम करना बंद कर, कभी कॉल लेते हैं तो पुट चला जाता है। तो सर जब से AOC को फॉलो किए हैं ये एनालिसिस का झंझट ही खत्म हो गया। रेसिस्टेंस पे आया तो पुट, सपोर्ट पे आया तो कॉल, बाकी दुनिया जाए चांद पे उससे हमको कोई मतलब। उसके बाद 8th पॉइंट है सर, ओवर ट्रेडिंग। वही सर, अगर वो हमारा रिवेंज ट्रेडिंग के कारण ओवर ट्रेडिंग होता है, तो जब से AOC को फॉलो किए हैं सर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिन का 3 ही ट्रेड बनता है सर, 3 या 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा ट्रेड बनता ही नहीं है। किसी दिन उससे ज्यादा बनता है, नहीं तो किसी किसी दो दिन, 2 या 3 एवरेज अगर सर, लेंगे यही तो सर, 3 के जी आसपास सर, ए, जी स्टार्टिंग के 2 सितंबर को मात्र 1 ट्रेड बना था सर, तो वही 1 ट्रेड के लिए ही हम रुके थे, बाकी दिन भर बहुत सारे कोई ओवर ट्रेडिंग। एक्चुअली वो कंसोलिडेटेड मार्केट था, सपोर्ट से रेजिस्टेंस आने में उसको 2:30 बजा दिया था, 2:30 बजे के बाद मूवमेंट हुआ था, तो वो हमारा इससे कंट्रोल हो गया सर। और एक होता था ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस करने का मतलब है सर कि मान लीजिए कोई भी ट्रेड हम ले लिए, ठीक है वो नीचे आया था, हम इसी आशा में लगे रहते थे अब वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अब वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, तो बिना स्टॉप लॉस के खेलते तो वो चला जाता घर से। तो जब से AOC को फॉलो किया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20% आए तुम टच करके निकल जाओ, मेरा स्टॉप लॉस खा जाओ, भले नीचे चल जाओ टच करके फिर ऊपर चले जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर टच कर गया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, एक्सेप्टेड। जिस दिन से हम स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने लगे हमारा वो नेगेटिव वाला धीरे धीरे न्यूट्रल, अब कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। और 10th एंड लास्ट मेरा है सर, ट्रेडिंग विद हैवी क्वांटिटी। एक्चुअली हैवी क्वांटिटीज उनके लिए है सर कि जो नए नए ट्रेडर्स हैं या जिनका कैपिटल, मान लीजिए कि अगर कैपिटल हमारा 10,000 का है, 10,000 का कैपिटल का है, वो चाहते हैं कि हम एक ही लॉट में सब खेल जाए विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट, तो वहां पर एक बहुत बड़ा रीजन होता है सर लॉस करने के। तो यही साइकोलॉजिस्ट को कंट्रोल एक तरीके से हम AOC को जब से फॉलो कर रहे हैं सर, इसका हम एक ही लिख लिए हैं पॉइंट, स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स। जो AOC का रूल है सर, हम अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं इन 10 पॉइंट, एंड फॉलो विथ डिसिप्लिन। बस यही 2 पॉइंट है सर जिसका सोल्यूशन हमारा इसके ऊपर आया है, इसी से हम AOC को जब से फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे ही हमारा जो भी साइकोलॉजी था कंट्रोल हो रहा है और नेगेटिव से अभी न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं। सही है सर, इतना ही पॉइंट था सर। जी बिल्कुल, आई होप सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो रिकॉर्डिंग भी है, और इनके लिए एक बार ताली, ये प्रिपेयर्ड आए थे आज का मीटिंग का, पता था एजेंडा क्या है, लिख के लाए थे, ऐसे नहीं चले आए थे कि अरे सर ये बता दो सपोर्ट से बाई करना है, कॉल से कॉल लेना है, पुट लेना है, आज का जो टॉपिक था उस पे है, अच्छा ज्ञान दिए, सबके फायदे के बात किए हैं। ठीक, चलिए आप अगला आगे बात करते हैं। उससे पहले एक बात मुझे जानना है, कितने लोग हैं जो अपना ट्रेड एनालिसिस करते हैं दिन का, जैसे आज के दिन मैंने क्या किया उसके बारे में? जी सर मैं करता हूँ सर, वो एनालिसिस ना करके मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ सर। हाँ ठीक है, वही हुआ। हाँ वही वही कि आज जो मैंने ट्रेड लिया वो सही लिया कि नहीं, उसका कंफर्मेशन आपके वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस से मैच करता हूँ कि क्या मैंने लिया वो सही हुआ कि नहीं। तो 2 दिन ऐसा हुआ जो मैं ट्रेड गलत, तो लास्ट में फिर आपसे पूछा भी तो आप समझाएं। चलिए एक पोल भी डाल दिया है, आज इंटरैक्टिव रहेगा क्लास। जी बाला सारे को मैं सुजीत बोल रहा हूँ सर, मैं दूसरा आईडी से लॉगिन किया था सर। एक्चुअली मेरा साइकोलॉजी सर जो भी बताए हैं बहुत सारा पॉइंट अच्छा है सर, वो भी मैं मतलब नोट डाउन कर रहा हूँ सर। एक्चुअली है सर, जैसे मैं कोई लॉस में चल जाता हूँ सर, उस टाइम मेरा साइकोलॉजी है बिल्कुल काम नहीं करता है। जैसे बोले कि कॉल पुट करते हैं सर, सेम चीज करते हैं मैं कर रहा हूँ अभी, लेकिन सर अभी क्या है मैं पूरा लिख के रख रहा हूँ कि ये चीज मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि लॉस हो गया मतलब उसको एक्सेप्ट करना है सर, और मैं सर रिवेंज मूड में चला जा रहा हूँ कि मेरा 1,000 रुपया चला गया मतलब मेरे को 2,000 वहां से निकालना है सर। यही साइकोलॉजी में कर रहा हूँ सर, मैं 3 लॉस किया हूँ अभी तक 2-3 महीने से, तो वही चीज हो रहा है सर। मतलब मैं माइंड मेरा काम नहीं कर रहा उस टाइम कि मेरा चला गया, और वो चीज सर स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करूंगा, और साथ जो अभी बताए जो इस पॉइंट को
वो भी नोट डाउन कर रहा हूँ। और अभी सर मैं बैक टेस्टिंग भी करता हूँ, जैसे कि गो चैटिंग में जाके लाइन ड्रॉ करके जो जहाँ पर मैं कॉल लिया क्यों वहाँ पर कैंडल क्या बता रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एओसी क्या बता रहा है, तो दोनों चीज को सर मैचिंग करके मैं प्रॉफिट जब करता हूँ वो भी देखता हूँ, या मेरे को जब ऐसे खाता है या लॉस हो जाता है सर वो चीज भी मैं मतलब मैं देखता हूँ सर दोनों चीज और नोट डाउन कर लेता हूँ। यही चीज हो रहा है सर साइकोलॉजी सर अभी मतलब आज का क्लास में बहुत सारा कुछ मिलेगा शायद, सारा भी बताएं वो भी अच्छा है सर, और आगे वो साइकोलॉजी को कैसे मैं डेवलप करूँ बाकी सभी सभी का भी बात सुनना है सर, तो यही चीज मेरे से हो रहा है सर, वो चीज मैं फॉलो करूंगा आगे से। लॉस को एक्सेप्ट करना भी बड़ी हिम्मत की काम है, बहादुरी की काम है। जी सर जी सर। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, 1,000-2,000 ही जाएंगे, सीखने को तो उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन वही है कि फिर हम लोग दोबारा उसको बदला लेने के लिए कि 2,000 कैसे ले सकता है मेरा, मुझे सब आता है मैं वापस ले लूंगा, उसके चक्कर में और दे देते हैं सर। वही हुआ है, और भी मैं 2-3 जो लॉस किया हूँ सर इसी के लिए किया हूँ सर। परफेक्ट, सभी को भी यही बताना चाहूंगी जो भी बिगिनर होंगे वो भी ऐसे ही कर रहे होंगे, तो उसको साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करवाइए। और सर जैसे बोलते हैं मेरा ट्रेडिंग जहां पर डेक्स है वहां पर लिख देता हूँ स्टिक रूल्स, और एओसी का जो जो रूल्स है वो चीज दोनों चिपका के मैं रखा हूँ, वो दोनों बराबर देखता हूँ, एक मतलब रूल्स और मेरा क्या रूल्स है दोनों को मतलब आई पूरा सेट करके वहां पर बैठे रहे कि जब भी जो भी करना है वो दोनों को बराबर फॉलो करना। ओके थैंक यू सर, और बाकी लोग जो हैं उनको भी बात सुनोगे सर। थैंक यू सर जी। वर्षा वर्षा श्रीवास विनोद पाठक। हाँ यस सर। जी सर जी बताइए सर। सर एंट्री बराबर होती है, मेरा सवाल है एंट्री बराबर होती है टाइम पे लेकिन ट्रेड में रुक नहीं पाता हूँ, उसका जवाब चाहिए था, क्योंकि रेड कैंडल बनने के बाद बाहर निकलने का डर लगता है, यानी बाहर निकले ऐसा लगता है कि घूम जाएगा बुल की। तो हम लोग तो ट्रेड सारा स्पॉट प्राइस देख के करते हैं ना, स्पॉट प्राइस पे लेबल आ गया तो निकल जाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। इधर हमारा स्पॉट प्राइस बोलना चाहिए या ऑप्शन से बोलना चाहिए कि अब तुम गलत हो रहे हो निकल जाओ? मेरे को लग रहा है मैं स्पॉट प्राइस देख रहा हूँ और मेरी एंट्री बॉटम पे हुई है बराबर, लेकिन तभी भी 2 कैंडल ग्रीन बनने के बाद 3rd कैंडल पे रेड बन जाती है, मेरा टारगेट भी नहीं आया, 1:1 भी नहीं आया, तभी भी रेड कैंडल पे बाहर निकलने का डर ऐसा ये होता है कि बाहर निकल जाए ऐसा। एक मिनट तो सर, साइकोलॉजी पे क्या करना चाहिए? ठीक है सर आप बात कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो किसी को एक्सपीरियंस है तो एक्सप्लेन कीजिएगा इस डर को कैसे निकाल सकते हैं। जी जी विनोद जी आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना कि आप प्राइस कैंडल या जो भी आप कैंडल पे खेल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आप जब से आप कोशिश करिए एओसी को फॉलो करने के लिए, एओसी पे जो 2 लाइन दिया गया है ठीक है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस से अगर आप पुट ले रहे हैं तो जब तक आपका सपोर्ट को वो हिट ना करे ठीक है आप बैठे रहिए। एक आप अदर इंडिकेटर्स को भी आप बहुत दिनों से भरोसा किए हुए हैं तो एओसी पे भी एक बार भरोसा करके देखिए, जब तक वो लाइन पे टच ना करे या 5 या 10 पॉइंट का अगर उसके ऊपर आप बफर जोन भी लेके चलते हैं उतना देर अगर आपके पास बैठने का पेशेंस है तो आई होप कि आप कभी आपका वो जो ग्राफ है वो नेगेटिव नहीं। मैं पूरा प्राइस एक्शन पे ही वर्क करता हूँ, नो इंडिकेटर यूज करता हूँ। हाँ, और तो जी, एओसी पे ही ट्राई करता हूँ, अगर लेवल पे मैंने बॉटम पे एंट्री कर लिया सपोर्ट पे जी, तो उसके बाद जब तक वो टारगेट आता है तब तक वो रेड कैंडल उसके बीच में बन जाती है रीसेट के टाइम पे, तो उसको कैसे मैनेज करना है? देखिए आपका एक ही हम सोल्यूशन बोलेंगे, आपका अगर मान लीजिए सपोर्ट पे आप खरीदे हुए जैसे मान लीजिए 19650 पे चल रहा है या 51 पे, आप देखिएगा उसके बीच का डिफरेंस रेजिस्टेंस तक जाने के लिए आपको 50 का डिफरेंस रहता है ठीक है, तो आप जितना इन द मनी लीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, इन द मनी लीजिएगा तो आपका जाएगा 20 पॉइंट का एसएल मतलब 20 रुपए, अगर आप 100 रुपए भी लिए हैं तो आपका 20 रुपए का एसएल जाएगा, और अगर आप टारगेट तक जाते हैं तो टारगेट तक जाने के लिए 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है तो 30-40 रुपीज प्रीमियम मिलता है ठीक है। तो आप अगर एंट्री बनाए हुए हैं सर तो आप ये सोच के चलिए कि जाएगा तो मेरा 20 रुपया ही जाएगा और आएगा तो हमको 30-40 रुपए, और आपका एंट्री अगर सही है सर तो आप बीच में रेड कैंडल बने ग्रीन कैंडल बने फिबोनाची ये क्या बोलते हैं हैमर बले चाहे कुछ भी बने उसका चिंता फिक्र कुछ मत करिए, आप अगर सपोर्ट पे लिए हैं तो जब तक मेरा टारगेट पे नहीं जाएगा आप बीच के कैंडल पे देखिए मत और डरिए मत, आप अगर सही समय पे लिए हैं तो आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। सर एक चीज सोच के खेलिए, अगर ट्रेडिंग पे है हमारा 2 ही चीज या तो एसएल खाएगा या तो टारगेट, ये माइंडसेट लेके घुसिएगा तो आई होप सो कि आप अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर सकते। अच्छा सर हेलो okay. हाँ हेलो हाँ बोलिए गोपाल जी। हाँ जी सर थोड़ा सा मेरे को गाइड कीजिएगा
ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं बैठा होता हूँ ट्रेडिंग में, मैंने 930 के लेवल्स मार्क कर लिए, राइट, जैसे ही मार्केट मेरे लेवल ईओआर पे पहुंचती है, मुझे मैं रियलाइज करता हूँ कि अब ईओआर पे पहुंच गई है मार्केट, ठीक है, अब रेजिस्टेंस, अब इसके बाद यहाँ से मार्केट को मतलब डाउनफॉल करेगा मार्केट, ठीक है, पर एकदम से सडनली जैसे भी एकदम से ओआई वगैरह जैसे भी जनरेट होती है, तो फिर मेरा माइंड सेटअप कहता है कि ईआर से जब वो नीचे आर पे आती है ना वापस, तो मैं रियलाइज करता हूँ कि भाई अब मार्केट आर से ऊपर जा सकती है या ईआर से भी ऊपर वापस जा सकती है, मतलब और ऊपर रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो गया है, तो मैं फिर अपने सपोर्ट का वेट करूं, मेरी साइकोलॉजी कहती है कि नहीं मैं यहीं से ट्रेड लेना चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस से ट्रेड ऊपर का ले लेना चाहिए। देखिए सर, इसके लिए आपको एओसी अच्छे से सीखना होगा। मैं इसका जवाब देता हूँ जी सर जी। इसके लिए ना आपको प्रैक्टिकल करके सीखना पड़ेगा। जब आप ईओआर या यूएस से ट्रेड ले रहे हैं ना, तो 20 पॉइंट का एसएल का वेट कीजिए। अगर एसएल जा रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, दोनों सिचुएशन में जब मार्केट खत्म होता है, बैक टेस्टिंग कीजिए, वहां से ध्यान से अपने आप को वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, मैं क्या सोच रहा था और मार्केट का डाटा क्या था। अच्छा, क्या होगा, 20 पॉइंट का एसएल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। सीखने को मिलेगा सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि क्या होता है ना, लाइव मार्केट में इमोशन बहुत होते हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, पता नहीं क्या क्या दिख जाता है ना। हाँ, सर वही होता है मेरे साथ की मैं सोचता हूँ की यहाँ से मैं एक मतलब की यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर वो वहाँ से लॉस कर जाता है, एसएल हिट हो जाता है। 20 पॉइंट का एसएल जाएगा तो जाएगा। हाँ, वही जैसे आप एसएल हिट कर जाता है, तो फिर यही कंफ्यूजन था, इसी को मेरी यही साइकोलॉजी नहीं क्लियर कर पा रहा था, इसलिए मैंने आपसे। देखिए, एसएल हिट हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश किए, खुद से नहीं समझ पाए तो हम लोग शाम को तो बैठते ही है, वहाँ पे पूछिए। जी 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 सर जी। उसके अलावा जो रूल्स है ना वो गूगल डॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो सर मैंने लिख रखे है, वो प्रिंट करके मैंने स्क्रीन अपने साथ में लगा रखे है। ट्रेड लेने से पहले जैसे लेवल पे आए ना, उस टाइम चेक कीजिए कि क्या क्या कंडीशन मेरे अगेंस्ट जा सकता है। जी ठीक, ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक 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 है सर, थैंक यू। चलिए जी, लोकेश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सॉफ्टवेयर को सर, लाइक आई वांट टू से दैट आपके सॉफ्टवेयर ने मतलब ऐसा एक ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो देखते थे इससे पहले, उससे इससे इतना बिलीफ नहीं बढ़ता था जितना आपके सॉफ्टवेयर से बिलीफ बढ़ना चालू। धन्यवाद सर। और सर सेकेंड थिंग ये था कि ये जो शिफ्टिंग का रहता ना सर, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब उसमें एक कन्विक्शन नहीं बैठ पाता है कि ना बाय साइड में जाना चाहिए या सेल साइड में जाना चाहिए। तो मेरा कुछ आपको और कुछ नहीं, एक सिर्फ राय पूछना था कि एसेट समय में क्या अपने आप को कैसे मतलब प्रिपेयर किया जाए कि कौन से साइड में हमको ज्यादा मतलब कन्विक्शन दिख। इसके लिए तो सर सीखना ही पड़ेगा, ये साइकोलॉजी रिलेटेड नहीं है ना, ये तो लर्निंग रिलेटेड है। जी, लर्निंग उसी में ही सर मेजर मतलब मेजरली मैं इससे पहले सर मतलब ऑप्शन चेन वापरता हूँ, पर इससे पहले मैं ट्रेड इतने मतलब क्या कहते हैं ना ब्लंटली नहीं ले पाता था जितना आपका देख के ले लेता हूँ, बट वो शिफ्टिंग में कहीं ना कहीं मतलब फिसल जाता। इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, शिफ्टिंग में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, करेंगे उसको लाइव। देखिए अभी जितना भी मैं पढ़ा दूं ना, लाइव में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा वो क्लियर नहीं होगा। जी संदीप धीमा सर। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार सर, बोलिए सर। सर मेरा एक साइकोलॉजी क्वेश्चन ये है कि एक्सेस ऑफ नॉलेज इज डेंजरस। जैसे कि हम आपका अभी रिसेंटली जो गया है फ्राइडे को ट्रेड था, एक पुट का ट्रेड बना था जी। और टॉप पे ट्रेड बना था वो 88 के लेवल पे, वहां पे मैंने पुट ली थी और उसके साथ मैं देख रहा था ऑप्शन कॉल और पुट का ग्राफ चार्ट। उसके बाद ट्रेड लेने के बाद जो पुट का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, दैट मींस मार्केट बुलिश हो गई। एक मिनट सर, मैं रोकना चाहूंगा, आप और टॉपिक जा रहे हैं सर, आज का एजेंडा ही नहीं है ये। नहीं सर, ये साइकोलॉजी के लिए पूछना चाहता हूं। नहीं सर, साइकोलॉजी का थोड़ी थ्योरी। ओके सर, ठीक है जी। रोहित सर। हेलो। हेलो जी सर। जी बोलिए। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ सर, बताइए सर। आप स्टार्टिंग में आपसे बात हो रही थी जब नया ग्रुप स्टार्ट हुआ था, तब था, अब तो काफी दिन बाद मैंने बात करी है। सर एक चीज जाननी थी मेरे को छोटी सी, जब जैसे आप कहते हैं कि जो हमारा ट्रेड लेने का नंबर आता है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे डाइवर्जन हो, कि वहाँ पे कंफर्मेशन होने दो एक बार, वो कंफर्मेशन के चक्कर में मेरी ट्रेड निकल जाती है कि कई बार नीचे आता नीचे आता फिर तो ट्रेड तो छूट गया। ठीक है, वो कंफर्मेशन कैसे करूँ मैं किसी से कि हाँ भाई आप ले लेना चाहिए मेरे को पॉइंट? देखिए सर, जब भी मार्केट अपने लाइन को अप्रोच कर रहा होता है तभी हम लोग डिसाइड कर ले। जी ठीक है सर, बिल्कुल सर। कई बार होता है ना मार्केट इतना तेजी से चला जाता है कि हम लोग अभी तक डिसाइड कर नहीं पाए होते, मार्केट जाके वापस भी आ जाता है, उस टाइम में तो हमको कंपल्सरी
वेट करना ही है, ठीक जी जी। आप फर्स्ट में भी ले रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, अपने डाटा पे कॉन्फिडेंस है, तो आप जाते समय भी ले सकते हो। रिटर्न आने का या रिजेक्शन का भी वेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उस ट्रेड में, ठीक। नहीं तो रीटेस्ट नहीं आ रहा जिसके वजह से छूट रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, वो ठीक है जी सर। उसका अफसोस नहीं करेंगे सर, उसका अफसोस करेंगे तो फिर हम गलत ट्रेड लेंगे फिर तो जी सर। ठीक सर, थैंक यू जी। गोपाल सिंह सर। हाँ जी सर, वो हो गया, क्वेश्चन हो गया मेरा, मैंने पूछ लिया था अभी आपसे बात जी सर। EXT अहमद गुलाम सर, आपकी कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करें? आप कम्युनिटी में है तभी तो लिंक मिला है। मैसेज देखिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हो सके तो फॉन्ट बढ़ा के इसको प्रिंट कर लीजिएगा। कामेश सर ने अच्छा खासा लिख दिया है, बोल भी दिए हैं, लिख भी दिए हैं। अहमद जी नहीं बोलेंगे जी। यस शिव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, एक थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जी सर। एक तो सर मेरा क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग में सर कौन किसके चांसेस ज्यादा बेटर हैं, कि कोई अगर इसको एक अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना के अगर करें, या फिर एक बंदा पार्ट टाइम कर, तो मतलब साइकोलॉजिकली किसका ज्यादा बेटर रहेगा और कौन सा मतलब सूट करता है ट्रेडिंग, मतलब अगर लॉन्ग रन के लिए? सर लॉन्ग रन के लिए पार्ट टाइम तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन का सवाल जवाब है कि पार्ट टाइम वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहेगा, उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे प्रॉफिट ही करना है, इससे प्रॉफिट नहीं किया तो फिर क्या ही करूंगा। पार्ट टाइम वाले के पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो थोड़ा रिलैक्स फ्री माइंड से मार्केट को देख पाएगा। उसको भी ग्रीड एंड फेयर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन प्रेशर का जो टॉपिक होता है, जो प्रेशर का मामला रहे उस पे कम रहेगा, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब वो एक चीज जैसे सर ने अभी जो पहले बता रहे थे कामेश सर, तो उनका उसमें एक पॉइंट था ना कि जैसे हम वही है कि लॉस देख के फिर क्या कहते हैं उसको, आपने भी बताया था शुरू में कि एक बार लॉस देखते हैं तो फिर हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। वो मेरे ख्याल से उस बंदे के साथ थोड़ा सा कम होगा कि चलो ठीक है मैं मतलब ओवरऑल देखूंगा महीने का या 3 महीने का कि मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है, एक दिन के लॉस से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो एक बंदा प्राइमरी लेके चल रहा है ना, उसको रहेगा डेली कुछ ना कुछ आना चाहिए। देखिए उसमें सॉल्यूशन एक ही है कि आप कल के प्रॉफिट लॉस को भूल जाइए, डेली का डेली डिसाइड कीजिए, आज का मुझे कितने ट्रेड करने हैं, मैं मैक्सिमम कितना लॉस ले सकता हूँ, प्रॉफिट कितना भी हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड आपके फिक्स होने चाहिए, मैं इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा और इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, नहीं तो आप एक महीने का कमाई एक दिन में लुटा देंगे। वो वही सर, शुरू में कुछ टाइम पे तो ऐसा ही चला, अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ और भी जो लोग हैं एक्सपीरियंस उस पे तो सबको सुनता हूँ, हेल्प मिलता है। अपने लॉट साइज नहीं बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, हर दिन ग्रीन हो ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन रेड छोटा हो ये हमारे कंट्रोल में है, जिस दिन रेड होगा छोटा हो ये हमारे कंट्रोल में है। बस वो एक ही चीज समझ में आई कि सर जब अगर बाई चांस छोटा लॉस हो रहा है ना तो वहाँ बंद कर दो उनके लिए ट्रेडिंग को, तो वही बेस्ट रहता है। हाँ बिल्कुल सर। वो लॉस कवर करने का जो वो है ना वो ही ज्यादा दिक्कत देता है। एक सर दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि मतलब हमें अपना लॉट कैसे डिसाइड करना चाहिए, वो कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए या? बिल्कुल सर, कैपिटल के हिसाब से भी उससे भी ज्यादा रहेगा ना, कि आप एक लॉट में देखिए 20 पॉइंट्स, मान लीजिए कि 20 पॉइंट्स लॉस जाएंगे मेरे, ठीक, तो 1200 ऐसे आप ले सकते हैं लॉस। मान लीजिए कि अगर 3 ट्रेड कर रहे हैं, 3 ट्रेड में तीनों लॉस होता है मुझे, मैक्सिमम 3500 में लॉस लेके भी अगले दिन मेरे ट्रेडिंग में जितना मैं लॉट ले रहा हूँ वो लॉट नहीं कम होना चाहिए, है ना, ताकि मैं कल ट्रेड कर पाऊँ और पीछे का ना सोच पाऊँ। पीछे का सोचेंगे कि कल मेरा 3500 लॉस हुआ था, आज मैं 7000 करूंगा प्रॉफिट, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी काम। तो उसी हिसाब से आपकी जितनी बजट है उसी के हिसाब से लॉट डिसाइड कीजिए, ताकि आपको तीनों ट्रेड में लॉस हो फिर भी आपके ट्रेडिंग पे असर ना पड़े कल के ट्रेडिंग में। ओके सर, इस रिलेटेड जुड़ू बात? जी सर। हमारा लॉस 20 पॉइंट स्पॉट का है तो हमारा जो कॉल पुट बाय है उसमें 10 से 12 पॉइंट ही आए। मैं एक्सट्रीम समझ रहा हूँ ना सर, तीनों लॉस प्लस 20 पॉइंट तीनों में, हाँ। इतना आपको लेना पड़ेगा कि हाँ इतना हो सकता है, कैंडल भी बन जाए जो आपका 20 पॉइंट आप अगर नहीं लगा रखा आप स्टम में, तो बड़ी भी कैंडल बन जाएगी तो मैक्सिमम बड़ी कैंडल भी बन जाएगी तो 20 पॉइंट ही जाएंगे।
मतलब प्रीमियम में। हाँ वही मैं वर्स्ट केस के लिए सोचिए और होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बोलते हैं ना, कि सबसे बुरे वक्त के लिए तैयारी करेंगे लेकिन सबसे अच्छा वक्त चले इसकी उम्मीद रखेंगे। जी बस एक सर एक और एक मतलब जैसे जो प्रॉफिट होता है सर उसको रिटेन करके रखना चाहिए मतलब या टाइमली विड्रॉल करते रहे। नो विड्रॉल करते रहिए बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपका इमोशन आपके सर पे क्या बोलते हैं ना सनी कब हावी हो जाए। हाँ जी सनी की सारे साथ ही चल रहा कि आपने मतलब पूरा एक महीना मेहनत करके 20,000 से 1,00,000 कर लिया और अगले दिन 200 दे दिए अपने वाले, वो तो गया अपने वाले भी 20 दे दिए, इससे अच्छा निकालते रहे आपको। थैंक यू सर। और इसका एक अच्छा तरीका है कि आप 2 डीमैट अकाउंट मेंटेन कीजिए, एक में क्या कीजिए कि आप जो निकाल रहे हैं ना अगर आपको घर में यूज करना है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है तो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए उसको और उसे ETF वगैरह खरीद लीजिए। ETF कभी भी बाई करेंगे लॉन्ग टर्म में फायदा ही देगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ठीक, ताकि वो अलग रहे सेफ रहे। थैंक यू बस मेरा यही डाउट था सर। दीपक सर क्या है सर क्या ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निफ्टी भी का सुना होगा ना। ओके सर ओके ITV हेलो सर हेलो जी सर जी जी सर वीडियो नहीं आ रही है सर। वीडियो की जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा ऑडियो चल रही है, बातें चल रही हैं तो। अच्छा ठीक है सर वही कंफ्यूजन सबके चेहरे ही तो दिखेंगे बस। नहीं मैं सोचा स्क्रीन दिख रही है। नहीं दिख। ठीक है सर। मोइन हसन सर, मोइन हसन, किरण कुमार हेलो हेलो दोनों बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए सर। ठीक है मैं रुक जाता हूँ जी। मोइन सर बोलिए। हेलो जी सर बोलिए कर। जी सर मैं सर इसमें लाइन में अभी न्यू हूँ तो मुझे ये मालूम करना था कि किस तरह से काम मैं शुरू करूँ और कैसे क्या करूं। जी जी सीखने पे सीखने की कोशिश कीजिए सर, सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने के लिए इनफ रिसोर्सेस हैं आपके पास, ग्रुप है वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, हम लोग 7:30 बजे और दिन में भी लाइव में भी रहते हैं तो जितना टाइम दीजिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा उतना बेटर है। पहले तो आप शेयर बाजार क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, कैश क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होती है, इन सब के बारे में नॉलेज मत पता जानने की कोशिश कीजिए। ओके तो ये हमारे ग्रुप पे ही पता चल जाएगा सब या नेट पे सर्च कर लें। नेट पे सर्च कीजिए सर। क्योंकि मैं कर तो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से बाय करूँ और कहाँ पर जा करके सेल करूँ। कभी कभी मैं होल्ड कर लेता हूँ उसको तो प्रॉफिट में जाता है, लॉस निकल जाता है। अच्छा 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 ओके सीखने की कोशिश कीजिए मौका मिलेगा। ओके सर थैंक यू। ठीक है म्यूट कर लीजिए सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, इतना अच्छा आपने प्रोवाइड किया हमें, इतना अच्छा वेब में सब ऑप्शन डेटा पूरा इतना इजी कर दिया हमारे लिए। तो मेरा कुछ नहीं सर, से मेरा साइकोलॉजी पे ही है, बड़े लॉसेस लेता हूँ छोटे प्रॉफिट्स लेता हूँ। और आपकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है ना सर, मतलब साइको मतलब आपने अभी मेंशन किया था कि एक मतलब मैं ट्रेड ले जाता हूँ कुछ मैसेज या कुछ देख लेके फिर से मेरे को मतलब सोच में लग जाता हूँ ये शायद मैं एक गलत ट्रेड ले लिया, लेकिन वो ज्यादा करेक्ट ही है, लेकिन मैंने लिया सही है लेकिन कुछ मैसेज डाइवर्ट हो जाता हूँ बहुत इस पे, तो उस पे ध्यान मत दीजिए ना। या एग्जैक्टली कुछ साइकोलॉजी के बारे में कुछ और बताएंगे सर आप। मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा देर से ज्वाइन हुआ था आपका, मतलब लिया था कॉल लेकिन मैं दूसरा कॉल में था तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग है मिल जाएगी, देख सुन लीजिएगा दोबारा से। ओके ओके थैंक यू सर, लव यू सर, इतना अच्छा आपने वो प्रोवाइड किया आपने। थैंक यू सर। और मैं आपने मतलब उनको दिया रखा है, मतलब रिलेटिव्स को दिया रखा हुआ, इसमें आप मतलब अच्छा कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हुए हैं, मतलब रिलेटिव्स भी है अपने ग्रुप में। अतुल सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। एक्चुअली कैसे है कि मैंने 6 महीने पहले ट्रेडिंग छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी सारे लॉसेस हो गए थे, काफ़ी सारे मतलब 50,000 अराउंड। तो अभी मैं वापस जब भी सोचा कि फिर से चालू करना चाहिए तो मुझे आपका ये मिला ग्रुप, मैंने ज्वाइन किया काफ़ी दिनों से देख भी रहा हूँ और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैश में काम करूँ ना कि इसमें कैसे नो। तो कैश में मैं कैसे कर रहा हूँ सर, एक मैंने थोड़ा सा सेटअप बनाया है
थोड़ा उसके बारे में मुझे आपसे जानना था कि वो मैं सही कर रहा हूँ या उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मैंने उसमें कैसे, उसमें क्या किया है मैंने, जो एओसी में जो स्टॉक्स लिस्टेड है, मतलब जो एओसी में जो सारे स्टॉक का लिस्ट है वो सारे मैंने ट्रेडिंग व्यू में डाल लिए है। उसके बाद में मैंने क्या किया, क्या करता हूँ, हर आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद में सॉर्ट बाय परसेंटेज करता हूँ ऊपर, और फिर जो एकदम बॉटम वाला स्टॉक रहता है ज्यादा गिरा हुआ है करके, फिर वो उसका लेवल देखता हूँ एओसी में आया है कि नहीं, और फिर अगर कोई स्टॉक मिल गया कि हाँ ये स्टॉक है अभी बॉटम में, तो मैं उसको खरीद लेता हूँ, और हमेशा सिर्फ बुली की डायरेक्शन पकड़ता हूँ, बेरिश डायरेक्शन पकड़ता नहीं। तो अभी मैं मतलब एक महीने से इस सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, फॉन्ट पेज करके एक अपना ये है पेपर ट्रेडिंग का एप्लीकेशन, उसमें तो लॉस तो हुआ नहीं है, 5 लाख के कैपिटल में 43,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पर अभी मैं एक्चुअल मनी डाल के चालू करने का सोच रहा हूँ। फिर भी मतलब इस सेटअप में अभी क्या प्रिकॉशंस और लेने चाहिए या क्या करना चाहिए? इस सेटअप में आप देखिए सिर्फ बुलिश ट्रेड बोल रहे हैं, फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है ना कि हम लोग जीतते हुए घोड़ा पे लगाते हैं ना कि हारते हुए घोड़े पे, वो आगे बढ़ेगा या नहीं। देखिए इक्विटी में क्या कहते हैं ना, इक्विटी और ये इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, इक्विटी को नहीं छूना चाहिए, जो गिर रहा है जो नेगेटिव चल रहा है उस वाले स्टॉक को नहीं छूना चाहिए, और इंडेक्स जब गिर रहा होता है तो उसको छोड़ना नहीं। ओके तो आप शॉर्टिंग जो परसेंटेज से करते हैं ना, एक्चुअली में आप जो गिर रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं इस उम्मीद में कि आज गिरा है तो बढ़ेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नीचे बॉटम में भी देख लेते हैं कर पा रहे हैं, उसलिए थोड़ी हेल्प हो जा रही है, नहीं तो प्रीफर करना चाहिए विनर्स पे भरोसा करना चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो बढ़ रहा है उस पे ज्यादा हम लोग अगर रिसर्च करें वो बेटर रहेगा सर। जैसे आज जो कर रहे हैं ना डायरेक्टली उसका अपोजिट कीजिए, जो मैक्सिमम गेन कर रहा है उसको एनालाइज कीजिए, उसमें कोई कंडीशन मैच हो रहा है तो उस पे बेटर रहेगा। ठीक है सर, मैं अभी थोड़ा देखूंगा। जी थैंक यू। चेतन पटेल सर। हेलो सर, राम राम सर। राम राम सर, राम राम। एओसी ऐप यूज करके मुझे एंट्री और टारगेट तो मिल जा रहा है, मगर स्टॉप लॉस जो है वो निफ्टी में तो मैं चलो 20 पॉइंट का रख लेता, मगर उसमें बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कितना कितना रख, वो तो हमें भी नहीं पता सर, उसके लिए एओसी का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और उसमें स्टॉप लॉस इतना पॉइंट का रखूंगा वो अभी तक ना हमने उतना ट्रेड किया है ना बाकी कोई मेंबर बता पा रहे हैं कि इतना रखो सर इतना सेफ रहता है, इसलिए इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। बाकी कोई मेंबर है जिनके पास एक्सपीरियंस हो कि जैसे हम लोग निफ्टी में 20 पॉइंट्स करते हो 80-90% टाइम तो हिट नहीं होता है अगर लेवल से लिए तो, उस तरह का अगर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो ओके जी। इनलाइटेन इंटेलेक्ट जी सर, मेरे बेसिक्स क्लियर फॉलो था प्राइस रेट ठीक है, मतलब अभी तक के बिना मतलब कैसा है कि अपने कैपिटल को बचा के चल लॉस होते हैं, बाकी डे एंड पे मैं प्रॉफिट्स में निकल जाता हूँ, बट वो प्रॉफिट नहीं रहता क्योंकि वो ब्रोकरेज में चला जाता है, तो अभी तक के मैं नेट नेट लॉस। आप लकी हैं, ताकि आप लकी हैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पा रहे हैं, जो मेथड से आप कर रहे हैं ना कि एट द एंड में निकल जाता हूँ वो कभी डुबा देगा। हाँ मुझे पता है ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं बचा ले रहा हूँ कैसे कैसे अपने आपको हर एक दिन में लॉस करके करके, वो लॉन्ग रन में बिल्कुल गलत चीज है। तो रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड जो आपके साथ काम भी कर चुके हैं, उन्होंने आपका सजेस्ट किया और मैंने आपके कुछ बेसिक्स वाले वीडियोस देखे और मैंने कुछ बैक टेस्ट भी किया, सो यस इट इज वर्किंग, definitely it is working properly. It is that के आप थोड़ा मुझे, और हाँ जैसे आपने starting में बताया जो भी psychological points वो हाँ बिल्कुल same चीज मेरे लिए applicable हुई है, मैंने अगर वो गलती की है जो आपने बताई, but हाँ अभी तक केवल safe चल। तो मुझे बस ये जानना है कि आप थोड़ा मुझे roadmap बताइए कि this much knowledge is at least required to understand AOC or to trade on AOC. एक roadmap मिल जाता है ना सर, तो उसको follow करना। सर उसके लिए तो playlist है ना, chapter wise, serial wise, 1-6 देखिए, और बैक टेस्टिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके ओके
और सर मतलब वो तो मैंने वो बेसिक प्लेलिस्ट तो मैं समझ गया हूँ कि हाँ उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और आप सजेस्ट करें तो जैसे रिस्क मैनेजमेंट के साइड में मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से अपने उसी को लेके, तो शुड आई गो विद सिंगल लॉट और आई शुड रिस्क मैनेजमेंट का ही तो चल रहा था कि आप अज्यूम कीजिए कि दिन में ट्रेड करेंगे तीन और तीनों लॉस होंगे और तीनों में 20-20 पॉइंट्स जाएंगे, तो कितना दिन का लॉस कितना आप सह सकते हैं, आपका बजट कितना अलाउ करता है ताकि कल जो ट्रेड करेंगे उसमें भी तीन लॉट कर पाए और परसों भी कर पाए। तो एक सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप तो यही है कि आप ये सोचिए कि मैं तीन ट्रेड करूंगा दिन में और मुझे तीनों ट्रेड में लॉस होंगे और तीनों में 20-20 पॉइंट जाएंगे, तो मेरा लॉट साइज कितना रहना चाहिए ताकि मैं ये 20 पॉइंट का लॉस सह पाऊंगा, मेरे इमोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा और कल मुझे ट्रेड लेने में मुझे लॉट साइज नहीं घटाने पड़ेंगे और स्ट्राइक प्राइस भी आगे जंप नहीं करना पड़ेगा। और आप अज्यूम कीजिए कि मुझे 200 रुपए वाला 200 प्रीमियम चल रहा है उसको लेना है, 200 के आसपास जो चल रहा है उसको लेना है, तो इसी हिसाब से आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर बजट जो आपकी फंडिंग है। और सर मतलब उस प्लेलिस्ट के अलावा कोई और चीज देखनी चाहिए या फिर? सर वो प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद से एवरीडे हम लोग 7:30 को मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, बिकॉज मार्केट एवर एवर चेंजिंग है, हर दिन कुछ नया लाता ही है, तो हर दिन सीखते तो हमेशा रहना है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है कि आप उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उसमें कोई डाउट होता है तो आप नोट डाउन करके हम लोग 7:30 पे मिल सकते हैं, वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं डाउट। थैंक यू सो मच जी। कल्पेश रसल जी। जी कल्पेश रसल सर। हाँ सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ सर नमस्ते सर, एक्चुअली है ना मैं जॉब पर्सन हूँ जो, तो वो टाइम पे मतलब साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ जो कि सैलरी का कितना परसेंट मुझे शेयर मार्केट में डालना चाहिए, क्योंकि मैं एक साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ तो नेट लॉस में ही हूँ, मगर उसके बावजूद भी कितने लॉट का ट्रेड करना चाहिए और कितना सैलरी का मुझे परसेंटेज शेयर मार्केट में लगाना चाहिए इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जिसे साइकोलॉजी में। ये आपको अच्छा सा मैथमेटिकल जवाब फाइनेंशियल एडवाइजर दे सकता है। मैं एक नॉर्मल बता सकता हूँ कि जितना आपके खर्चे हैं अगले महीने का खर्चा सरप्लस रख के जो निकलता है, और उसको भी छोड़ दीजिए, आप कितना लॉस करेंगे तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, डेली लाइफ टाइम में फैमिली में अगले महीने तक दिक्कत ना हो, और ये मान के चलिए कि जो आप डाल रहे हैं वो लॉस हो जाएगा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ मैं इतना रुपया शेयर बाजार में डाल दूं सीखने के नाम पे, सीखने के लिए तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, उतना आप कर सकते। ओके सर। सो और एक क्वेश्चन था ये जो सर, ये थोड़ा सा ना पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब कि क्योंकि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लाइबिलिटीज और हर एक के खर्चे और वो सब एक से नहीं होते, तो इसीलिए ना मैंने नंबर्स में आंसर नहीं दिया इनको कि आंसर हो नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू सर। स्काई SKY। राम राम सर। राम राम सर। राम राम। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ सर। मेरा मैसेज वही था सर, बाकी लोग ये जितने लोग नए आ रहे हैं तो वो बिना वीडियोज या प्लेलिस्ट देखे हुए आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं मेरे को बेसिक डाउट होते हैं, जो ऑलरेडी उस वीडियो जो आपने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं उसमें ऑलरेडी वो डाउट सारे क्लियर हैं, लेकिन फिर उनको बताने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं कोई रिप्लाई नहीं करना चाह रहे या मेरे को बताना नहीं चाह रहे, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको देखें जरूर, एक दो बार देखो, तीन बार देखो, देखने के बाद फिर उसके बाद जब शाम की मीटिंग होती है उसमें आके अगर वो देखें तो कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उन लोगों के लिए कि हाँ नहीं, और ऑलरेडी का 4 से 5 दिन अगर शाम वाली मीटिंग अगर इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो 100% बोल रहा हूँ सर कि मैक्सिमम वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि तो वो पूछने भी नहीं पड़ेंगे, वो 5 दिन अगर सुन लिए ना बस ध्यान लगा के। हाँ बिल्कुल सर, वो 5 दिन बस अगर कंटिन्यू उस वीक में बस सुन लें तो उनकी आधे से ज्यादा डाउट वैसे ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि लाइव मार्केट में जो सिचुएशन बनी होती है हम शाम को पक्का उसमें डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा पेशेंस तो चाहिए, अगर पिछले 1 साल से लॉस किया है, 6 महीने से लॉस किया है, 3 महीने से लॉस किया है, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि बस AOC ज्वाइन किया है, अभी सब लोग प्रॉफिट देख रहे हैं, मेरे को भी प्रॉफिट करना है, उसी होड़ में वो और भी लॉस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक और अच्छा पॉइंट आया है, 1 दिन का लॉस 10 दिन में रिकवर होगा, 1 साल का लॉस 10 साल में रिकवर होगा, इस माइंडसेट से अगर आए तो सीखने पे फोकस करेंगे, 1 दिन का लॉस आधे दिन में 1 घंटे में रिकवर करने के चक्कर में आए तो और कहीं से लेके आए फंड वो भी चला जाएगा, वो फिर वो थोड़ी सी नॉलेज के चक्कर में पूरा का पूरा लॉस लेके फिर नहीं कर रही है तो काम नहीं कर रहा है,
अरे भैया आप तो अभी आए हो, कम से कम थोड़ा तो टाइम दो, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम दो, समझो सीखो लोग क्या कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है ये, तो मतलब मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों है, बाकी सबके लिए अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन आप इतना इतना सोचिए कि अगर आप कोई दुकान लगा रहे हैं, आज लगाया कल आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएंगे, कल हो सके तो एक कस्टमर आए, कल परसों दो आए, धीरे धीरे करके सालों साल ग्रो होंगे, लेकिन आप पहले ही दिन अरे यार आज एक ही कस्टमर आएगा, इससे अच्छा तो मैं वो दूसरे काम में कमा रहा था छोड़ दिए, फिर दूसरे काम में चले जाएंगे, फिर तीसरे में चले जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। और मुझे बुरा कब लगता है कि कोई भी स्क्रीनशॉट आता है ना कुछ लोग होते हैं ये इंडिकेटर कौन सा है। अगर आपको इंडिकेटर सीखना है तो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर को ही देख लो, उस पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो। बिल्कुल वही है सर, कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि हाँ आए हैं तो थोड़ा एक हफ्ते, एटलीस्ट एक हफ्ते तो टाइम दे दो भाई, कि हाँ यहाँ पे इससे जुड़ो एक बार। बिल्कुल, तो अभी कई लोग ऐसे हैं, जैसे हम 115 लोग थे, अभी कुछ लोग भाग गए यहाँ पे इसी के लिए। भैया बाबा जी लोग बहुत लोग पैसे लेते हैं, लेकिन फिर भी संडे था, अगर लोगों में थोड़ी डेडिकेशन नहीं है और इन्हीं के डाउट होंगे जो अभी क्लियर होंगे और वो छोड़ के चले गए हैं, बाद में वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनेंगे और कल फिर से वही सेम क्वेश्चन आएंगे, तो बताने वाला बंदा थोड़ा तो इरिटेट होगा कि यार पहले मैं अपना अगर इनिशिएटिव लेके इतना कर रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे हो और फिर से आगे वही डाउट पूछ रहे हो। नहीं, बहुत लोग इस उम्मीद में आया था ना कि आज से ऑप्शन से पूरा सीखने को मिल जाएगा, उनको ये भी नहीं पता था कि आज टॉपिक क्या है, आज बातें किस पे चलेंगी, सर वही चीजें हैं कि वो पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी सब क्लियर है, लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे, इधर ही सब चाहिए अभी। कामे सर कितना प्रिपेयर्ड थे, हाँ बिल्कुल सुनने के बाद ही इतने सारे क्लियर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग एक्सपीरियंस ही लोग हैं, कहीं ना कहीं से लोग आए तभी जाके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और उनको जब सुनने के बाद ही समझ में आ जाता है कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। मैं पिछले एक वीक में, मैं पिछला वीक जब नहीं आया था उससे पहले पूरा वीक लॉस था, अभी मैं पूरा वीक धीरे धीरे थोड़ा सा ही प्रॉफिट है, पहले अभी लोग डबल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं अभी तो मेरे को बड़ा ही चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, पहले आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा ही मिल रहा है, लेते जाओ जिस दिन आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक महीने कम से कम यूज ही करो, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये मेरा सही है, अभी मैं सही हूँ। अगर गलत हुए तो लॉस भी लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि डिसीजन तो आपका था, आप सही डिसीजन लेके भी लॉस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सही किया था तो आप गलत नहीं हो सकते, मार्केट गलत प्रूव कर सकता है, तो उससे घबराने की बात नहीं, आप बैक टेस्टिंग कीजिए, आप बस अपने आप को साबित कीजिए कि मैं तो सही था। हाँ वही, किस्मत खराब थी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेरा था तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार आज लॉस क्यों हुआ, क्योंकि डिसीजन अपने ट्रेड लेने से पहले ये रिग्रेट करना था कि लेना है कि नहीं लेना है, ले लिया लॉस हो गया तो फिर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि डिसीजन आपका था। बस इतना ही था सर, थैंक यू सो मच सर जी। धीरज जी थैंक यू, धन्यवाद एओसी का ये कंसेप्ट निकालने के लिए। और एक ही सजेशन था मेरा, कुछ बोलने का ये मतलब नहीं था, लेकिन एक सजेशन था, बायर्स सब आप ऑन मार्केट चालू करते हैं मीट, तो बायर्स वगैरह ना डाउट्स और बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से चालू रहती है ऑनलाइन पे, और सेलर्स का पहले से दाम मार्केट पे रहता है, उसको थोड़ा सा क्लाइमेट अपना कूल रखने के लिए ना थोड़ा सा बातें कम किया करे, ऐसे सबको सजेशन देना चाहता हूँ। जी विनीत कुमार भगत सर। चलिए सर, काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मेनली तो जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर हमको लगता है मार्केट में आते हैं, मैं भी लास्ट 3-4 साल से हूँ, और सभी लोगों को हमको लगता है कि अपने साइकोलॉजी पार्ट में ही मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जो टेक्निकल पार्ट्स है बहुत सारी चीजें समझ आ गई है, कर भी ले रहे हैं, लेकिन जो एक्सक्यूट करना है, हो सकेगा जो लेवल्स हम देख भी रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो कमी, उस कमी को हम रिजॉल्व नहीं कर, तो कहीं ना कहीं बार बार एफर्ट लगा रहे हैं, लेवल्स तुम्हारा ऑलरेडी आपके द्वारा जो एओसी का चीज है वो हमें एक एज दे दिया है, जो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलते हैं। उसके साथ साथ जो जितने भी एक डेली वीकली यस्टरडे मंथली जो एक प्रीडिफाइंड एक माइंडसेट में या ऐसे साइकोलॉजिकल बना रहता है, कहीं ना कहीं उसको भी एक लेबल्स की तरह हम यूज करते हैं, और आपका दिया हुआ चीज वो उसमें एक प्लस पॉइंट ला दिया है, बस हमें उस चीजों में काम कर, तो अपने ऊपर हम काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम पार्ट वही सभी लोगों के लिए इम्पैक्ट डालेगा कि लेवल्स में काम। कामेश भाई ने बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्रॉपर वे में उसको राइट अप किए, शायद उनकी चीजों को लोगों को एक बार पॉइंट आउट करके देखना चाहिए और देख के लेवल्स में ही करना चाहिए, जैसा हम
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अपने आप को हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारा चीज एज ए बीइंग ए ह्यूमैनिटी मैंने बहुत सारे काम को अपने ऊपर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रखा है, इसी वजह से हम अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन एनीवे हम उन सभी चीजों को रिफ्रेश करते हुए हम कर लेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। बाकी सर आपका सपोर्ट और लोगों का प्यार बहुत ही सराहनीय, और ये डिस्कशन ग्रुप भी कहीं ना कहीं और ग्रुपों से बहुत ही फार फार बेटर। चलिए थैंक यू सर, बस यही हम बोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। रक्तिम चटर्जी जी सर। राज सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप इतना एक अच्छा वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सबको। आपका आवाज सुबह सुबह सुनते ही जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो एक दूसरे ही लेवल का है। मेरा प्रश्न ये था कि ओवर लॉट साइज पे ट्रेड करने के जगह पे अगर हम डीप इन द मनी जाते हैं क्या वो सही है? क्या क्या सर एक बार फिर से? सर मतलब लॉट नंबर ऑफ लॉट्स ना बढ़ाते हुए अगर हम थोड़ा डीप इन द मनी जाके बाई करते हैं क्या ये करना सही है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, लॉट ना बढ़ाएं, डीप इन द मनी जितना जाएंगे उतना सेफ रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर देवेंद्र सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। सर नमस्ते सर, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है लोगों को काम करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। सर इसके अंदर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी ऑप्शन चेन वाली जो है ना सर, इसके ऊपर अपन जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह के जो ग्राफ देखते हैं सर, ये इसी के ऊपर ओवरलैप होके दिखता है। अगर सर ये एक अलग टैब में ओपन होना तो सर हम साथ के साथ ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी देखते रहते हैं कि कहाँ अब क्या चेंज आ रहा है, और हम ग्राफ को भी अगली टैब में देख सकते हैं सर। अब क्या है ग्राफ इसके ऊपर रहता है तो हमें उसके पीछे ओपन इंटरेस्ट क्या चेंज हो रहा है वो हमें पता नहीं पड़ पाता। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगला जो अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड करें सर, ये करें कि ये जो ग्राफ वगैरह है ये अब अगली टैब के अंदर ओपन हो सर, ये ताकि हम तो एक ही आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। हाँ सर, यहाँ रामायण चल रही है, आप महाभारत ला रहे हैं। और दूसरी बात कि हमको जानबूझ के ऐसा रखना पड़ रहा है बिकॉज हम लोग मोबाइल पे भी सेम इंटरफेस देना चाहते हैं, सेम देना चाहते हैं, मोबाइल पे नया पेज नहीं खुलता है मोबाइल ऐप में। दूसरी बात कि हमको लगातार देखते नहीं रहना है, टेबल के आसपास आए मार्केट तभी देखना रहता है। अच्छा देखने में डिसीजन बनाने में लगातार देखते रहिएगा, एक तरफ आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चल रहा है, एक तरफ ऑप्शन चेन के डाटा चल रही है, एक तरफ वाई का ग्राफ चल रहा है, दूसरी तरफ टाइम वैल्यू का ग्राफ चल रहा है, तीसरी तरफ आपका फ्यूचर बिल्डअप चल रहा है, आप डिसीजन नहीं बना पाए। अच्छा सर, नहीं भाई सॉफ्टवेयर आपने काफी नया डाउट आएगा आपके मन में। हाँ सर, तो फिर कैसे ट्रेड कर पाएंगे? नहीं सर वैसे बहुत अच्छा है आपका, ये बहुत अच्छा है सर, और काफी अच्छा लोगों को हेल्प मिल रही है सर इससे। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। सर मेहरा सर, दुर्गेश मेहरा। नमस्ते सर, प्रणाम गुरु सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी सादगी, आपकी आवाज और आपकी ये वैसे सर मैं एलटीपी का स्टूडेंट था जी सर, लेकिन मुझे ये आपकी एओसी इतनी सरल और इजी लगी सर। वो ये एलटीपी में जो कंफ्यूजन रहता था वो कभी मेरा निकला ही नहीं। लेकिन अब मैं ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं एलटीपी ने मेरे को ट्रेड करना छुड़ा दिया सर। अब मैं ट्रेड करूंगा सर, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर लूंगा। ठीक है सर, धीरे धीरे शुरू कीजिए। हाँ सर, छोटे छोटे स्टेप। और सर एक ये जो एओसी में जो ये स्टेक प्राइस के नीचे जो पीसीआर लिखा हुआ है ना जी, इसका कभी वीडियो बना सकते हैं? हाँ हाँ सर, उसका बना चुके हैं ऐसे तो। मैंने देखो लिस्ट आपके प्ले लिस्ट तो पूरी दो तीन बार देख ली थी सर, उसमें पीसीआर का वो कंसेप्ट। अरे सर उस चैप्टर 5 में वही तो है, दोनों का ग्राफ उसी को अच्छा उसी को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आ जाता है। और सर ये एक जो परसेंटेज आती है ना डीप इन द मनी में 105 120 130 100 से अबव आ जाती है। हाँ सर, उसके लिए सर 730 और इसका आंसर दे चुके हैं सर। टॉपिक पे रहेंगे हम लोग तो जल्दी खत्म कर पाएंगे, लोग दोबारा रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। अभी सिर्फ इमोशन पे बातें चल रही हैं, सबका सबके साथ, ऐसा यहाँ पे एक भी बंदा नहीं होगा जो इमोशन में पड़ के गलत डिसीजन नहीं लिया होगा, गलत ट्रेड नहीं लिया होगा, लॉस नहीं किया होगा, सबने किया है, इसलिए सब खुल के बोल रहे हैं तो मन हल्का भी होता है और सीखने को भी मिलता है। तो हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, उसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं अभी के लिए। वैसे रोज बैक टेस्ट करता हूँ सर, 8-10 चार्ट का, इसका 8-10 बैक टेस्ट का, और रोज मैं प्रयास करता हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ सर, लेकिन ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ अभी। और आपको आपकी एओसी बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू सर जी। कंफ्यूजन अनहोली कंफ्यूजन। एक जो सर जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अपने नाम के बारे में कुछ बताएंगे?
अरुण अरुण अच्छा आपका सरनेम शाह है तो आप जैन है सर? नहीं नहीं सर। अच्छा 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 कोई बात नहीं। ये अच्छा लगा, मतलब AOC आपने जो बनाया कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर आता है ऐसा LTP कैलकुलेटर करके, उसके जैसा ही है और एकदम सिंपल है, मतलब समझने में बहुत ही सरलता है। खाली एक ऑप्शन सर इसमें जो सेंसिबल में आता है, आपने देखा होता जैसे टावर जैसा, जैसे कौन से कॉल पर ज्यादा मतलब OI हो रही है, वो जैसे टावर जैसे लगता है ना, सर टावर की जरूरत नहीं, हमारे पास लाइन ग्राफ है, फिर से ऑफ टॉपिक आ रहे हैं हम लोग, लगता है सबके मन हल्के हो गए हैं। जी जी, तो उससे वो टावर जैसा हो तो सर क्या देखने में थोड़ा इजी रहता है कि भाई कौन से वो स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग अलग सेशन है सर, अभी मत डिस्कस कीजिए सर, अभी साइकोलॉजी के ऊपर बात चल रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। सर और एक बात मैं ऑब्जर्व किया हूँ सर, जैसे कि हम 1,00,000 रुपया लेके आएंगे मार्केट या 10,000 रुपया लॉस, तो जैसे हम बिगनर है तो लॉस करेंगे 10,000 जितना लॉस करें, जितना हमको ज्ञान देगा 1,00,000 रुपया गवाने से सर उतना ही लॉस मिलेगा। तो सर जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, जैसे कि हम छोटा कैपिटल लेके आए लॉस करेंगे और वहां से नॉलेज लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन लॉस का रीजन ये होने की उल्टा फुल्टा हम करें, जैसे कि कमिश्नर सर जो भी बोले हैं वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वो चीज सर आगे बढ़ेंगे सर, और कम कैपिटल से करेंगे, ये मतलब मेरा रूल्स में सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो बता रहा हूँ सबको, जो भी नॉलेज है वो तो करेंगे अपने हिसाब से, जो बिगनर है वो ज्यादा कम कैपिटल से शुरू कीजिए और नॉलेज को भी लेते रहिए और मतलब सीखते रहिए, और आज सर जब लाइव में रहते हैं तो अलग टाइप का मतलब आ जाता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इसीलिए सर आइए लाइव में और हम लोग को ऐसे सिखाते रहिए। आज का सेशन सर काफी लोग तो भाग्य होंगे, मतलब वो लोग का बात जैसे ही खत्म हो गया वो लोग चले गए, वो तो मार्केट है सर, पेशेंस सर आप तो बार बार बोलते हैं यहाँ पर पेशेंस का खेला होता है, तो इतना मीटिंग में 1 घंटा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मार्केट में क्या बैठेंगे सारा दिन भर, वो तो अलग बात है सर, तो मीटिंग को पहले सुनिए और समझिए और सर का बात सही है, सही है। और यही बात मैं सर बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। कल्पेश सर बोलिए सर। सर सबको है ना आस पास मनी चाहिए और ज्यादा बातें नहीं करनी है, सुननी नहीं है, जैसे किस कैसे जल्दी मनी बनता है बस वही सोचते हैं सब। हाँ, वही है, और ये साइकोलॉजी पता नहीं कुदरत ने भी रखी है सबके दिमाग में, पता नहीं कुदरत का नियम है ना, सबको आसान रास्ता चाहिए, सब कुछ आसानी से चाहिए, कोई कठिनाई लेना नहीं चाहता, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, जितने बैठे बैठे मिल जाए वो। अरुण सर आए हैं, थैंक यू सर। अरुण सर स्वागतम। हाँ सर, बहुत देर से सुन रहा था सर। हेलो जी सर, आप सबके सुन रहे थे सर, बहुत देर से सुन रहा था। साइकोलॉजी सर एक ही चीज से ठीक होगी इनकी, सभी लोगों की, मेरी भी ऐसी ठीक हुई है सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर आ रही है, बताइए सर, सब सुन रहे हैं। साइकोलॉजी एक ही चीज से ठीक होगी, लाइन पे ट्रेड लो, AOC के स्ट्रक्चर से ट्रेड लो और फिर अगले लाइन पे अपना पोजीशन क्लोज करो। और एक ही चीज है, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, दो चीज बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। मार्केट में दो ही चीज होती है सर, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, आप उसी चीज के लिए बैठे हो मार्केट में, समझ रहे हैं सर? हाँ सर। तो अगर या तो हम स्टॉप लॉस ले लें या फिर हम टारगेट ले लें, बीच के क्या चीज हो रही है हमको उससे क्या लेन देन लो। जी सर, जी सर। हाँ सर, बस अगर ये नियम पालन कर ले लो और AOC के स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले, ना इनको मतलब ना किसी को इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ना कुछ करना, बस एक ही चीज माइंड में फिट कर लें कि हमको मान लीजिए सपोर्ट से ट्रेड लेना है, अगर मतलब कि मुझे सेफ ट्रेडिंग करनी है कि रिस्की ट्रेडिंग को भी एक्सेप्ट करना, अगर सेफ ट्रेडिंग करनी है तो मैं सेफ लेवल पे आके उसको वेट करूंगा, जब तक मेरे को लेवल नहीं मिलेगा, जब तक वो कंडीशन उसी कंडीशन में है और लेवल मेरा नहीं मिला, जब तक मैं वेट करता रहूंगा, चुपचाप बैठा रहूंगा, अपने गाने में सुनता रहूंगा, जैसे वो लेवल पे आएगा अपना मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, कुछ उसमें फॉर्मेशन होगा और कुछ कंफर्मेशन देखना हो तो मैं AOC के चार्ट पे कंफर्मेशन देखना है, क्या मेरे OI फेवर में है, जो भी दूसरे जो चीज है वॉल्यूम के परसेंटेज वगैरह मेरे फेवर में है तो मैं वहां से ट्रेड इनिशिएट करूंगा, और मैं उसके अपना जो टारगेट है 50 पॉइंट का जो टारगेट बनता है नेक्स्ट लाइन, उसके लिए मैं टारगेट लेके बैठूंगा, अब मैं उसके बीच में नहीं निकलूंगा। हाँ, अगर ज्यादा डर लगता है मार्केट बीच में पहुंच गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ट्रायल कर, बस इसके अलावा और कुछ, और इसके अलावा अगर और भी कुछ सोचेंगे सर तो दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है। अरे सर सिंपल है, आप SL देना सीख जाओ, कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेडिंग सीख जाओगे। हाँ सर बिल्कुल सही बोले आप, और लाइन से मतलब दिमाग में बिठा लो कि वो जो लाइन कैलकुलेट होके आ रही है उस लाइन के अलावा मुझे कोई ट्रेड ही नहीं करना,
भले मुझे दिन में एक भी ट्रेड ना मिले, हाँ। मेरे को आना तो उस ट्रेड पे लेना है, क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, तो ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपको ऑप्शन का पिक चाहिए, या तो लो पिक चाहिए या फिर हाई पिक चाहिए, और नहीं अगर मार्केट बीच में पड़ गए तो राइटर तो आपको मतलब कि वो ऑप्शन का प्राइस गलाएगा ही, आप बायर हो, आपको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वो राइटर आपका आपके साथ खेलेगा, साइकोलॉजी खेलेगा, चाहे वो कैंडल बनाए चाहे कुछ भी करे, बड़ी कैंडल बनाए, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको राइटर को तो पैसे ही खाना है, वो साइकोलॉजी ही खानी है, और आपको उसी से जीतना है, तो जीतना इसी उसी से जीत पाओगे, जो मतलब कि लेवल आते हैं एओसी के, जो लेवल आते हैं उसी से जीत पाओ, उसके अलावा किसी चीज से नहीं जीत पाओ अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अरुण सर, हाँ सर, सर मैं एक चीज आपसे मैं सीखा हूँ, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे सबको, कि मैं मतलब ट्रेड करता सुनता रहता था बातें, तो उसमें एक दिन सर ने बोला था कि शायद वो कुछ एक फिक्स क्वांटिटी है, बहुत टाइम से उसी से ही ट्रेड करते हैं डेली, तो ये मेरे को एक अच्छी बात लगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 80-90% लोग डेली यहाँ पे अपना लॉट साइज ऊपर नीचे करते रहते हैं कैंडल के हिसाब से, तो कभी एक्साइटमेंट में या कभी उनका दिन का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, या कुछ पुराना दिन का लॉस हुआ उसके हिसाब से, या कुछ मतलब वो एक फिक्स क्वांटिटी मतलब रख के चलना ना, ये भी एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आप इमोशन कैरी कर रहे हैं जरूरी नहीं है मार्केट भी उसी हिसाब से चल रहा है। नहीं, मार्केट तो चाहता है कि तुम इमोशनल फुल बनो। हाँ सर, क्योंकि तो बहुत बात होता है ना, पुराना अच्छा प्रॉफिट हुआ लास्ट डे पे, या कुछ आपका मतलब घर में कुछ सेलिब्रेशन वाला टाइप चल रहा है, तो इंसान लगता है कि आज तो पॉजिटिव ही है सब, तो ऐसे में हैप्पी बर्थडे हो जाता है। वही सर, राइटर को बीच में जब भी राइटर को क्या है, राइटर को ये चाहता है कि मार्केट बीच में रहे, वो किसी डायरेक्शन में ना जाए, मतलब किसी जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी 2020 पे है, तो वो मार्केट ही जैसे कॉल राइटर की हम बात करें, तो कॉल राइटर का एक कन्विक्शन लेवल होता है कि भाई मेरे को अगर इस वैल्यू से ऊपर चला गया तो मेरे को लॉस होना चालू हो जाए, तो वो वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होके आती है, वो वैल्यू आती है आपके लाइन, ठीक है, मान लीजिए कि हमको 220,200 पे मान लीजिए कि हमको 2190 कल सब फ्राइडे को आ रही थी, ठीक है, तो सर क्या है कि वो एक ना राइटर का क्या है कि कन्विक्शन लेवल है, अगर वो लेवल क्रॉस हुआ मतलब कि उसमें ऑप्शन के सारे ग्रिक्स घुटे हुए लगे हुए हैं, सारे ग्रिक्स के कैलकुलेशन लगे हुए हैं, तो मतलब कि अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो राइटर को दिक्कत होगी, मतलब कौन से राइटर को दिक्कत होगी, 2200 वाले राइटर को दिक्कत होगी, समझ रहे हैं, तो वो 2200 पर पूरा जोर लगाए तो मेरे को मार्केट को यहाँ रोकना है, कैसे भी करके मार्केट को रोकना है, तो आपको एज ए बायर आप क्या सोचोगे, एज ए बायर आपको ये लगना चाहिए कि यार मेरे को नहीं कन्विक्शन लेवल ये राइटर कन्विक्शन लेवल तक मुझे पहुंचने दो, क्योंकि वहीं पे वो प्रीमियम जब आप फुट के ट्रेड लेने जाओ तो वहीं पे आपको प्रीमियम जो रहेगी ना बहुत ही सस्ते लेवल पे मिलेगी। आप कोई सा साधारण मार्केट में आप कहीं जाओगे ना तो आप क्या सोचोगे, मार्केट में बार्गेनिंग करते हो ना, तो बार्गेनिंग का मतलब यही होता है कि कम भाव में लो और ऊंचे भाव में बेचो, तो आप ऊंचे अगर मार्केट नीचे अगर आप फुट का ट्रेड ले रहे हो, आप ऊंचे ट्रेड पे ले रहे हो, ऊंचे भाव पे ले रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। वैसे एक साहब मुझे फ्राइडे के दिन मिले थे अपने इसमें पब्लिक वाले ग्रुप में, वो बोल रहे थे कि सर मैंने ना टॉप पे जिस तरह हमने फुट का ट्रेड लिया था, हम लोग सुबह से बातें कर रहे थे कि रात तक भी बोले थे कि हम भाई इस लेवल पे आएगा तो हम पुट का ट्रेड लेंगे, लेकिन उन साहब ने क्या करा, उन साहब ने टॉप पे जाके पुट का ट्रेड लिया, फिर बाद में बोलते हैं सर हम क्या करें, पीनल वगैरह सब शेयर कर रहे हैं, तो सर बात ये कि आप ले कहां से रहे हो, राइटर के कन्विक्शन लेवल से आप लोगे तो फिर आप मतलब कि आप सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाए, और बीच में लोगे तो फिर वो राइटर का तो बीच वाला जोन तो राइटर का जोन होता है, वो मतलब वो कहीं भी ले जा सकता है ना मार्केट को, पैसा जिस और सबसे बड़ी बात पैसा जिसके पास होता है वही गवर्न करता है मार्केट या फिर कोई भी मतलब किसी भी जगह पे, तो भाई हम बायर्स के पास पैसा कम है और सेलर्स के पास पैसा ज्यादा है तो वो मार्केट को गवर्न करेंगे ना। अब उसमें जैसे मान लीजिए मार्केट को बुलिश करना है तो पुट वालों के पास ज्यादा दम आ जाएगा, मतलब पुट वाले राइटर एकदम कन्विक्शन लेवल से खड़े हो जाएंगे और कॉल वालों को भगाते रहेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो फाइट चलती है हम उन दोनों के बीच की चीजें उठाते हैं, समझ रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखना अगर मार्केट गुरुवार के दिन देखना, आप शुक्रवार के दिन मार्केट जब स्टार्ट होता है उस समय कॉल पुट की प्राइसेस क्या होती है और जब एक्सपायरी होती है तो उस समय प्राइसेस क्या होती है, अनलेस मतलब कोई अच्छी खासी मूव ना आ जाए। अरे सर टॉपिक से अलग जा रहे हैं, सब इसी
चले जाएंगे फिर। नहीं नहीं सर, मैं उसको घुमा के इनको वहीं पे ला रहा हूँ साइकोलॉजी पे। मतलब कि क्या हो गया कि सर आपको अल्टीमेटली वो वही करना है, तो आपको साइकोलॉजी इस तरह की बिल्ड करनी है कि आपको लाइन पे लेना है, और जब लाइन से लाइन पे लाइन टू लाइन ट्रेड करना चालू करें तो आपकी साइकोलॉजी में आपके दिमाग घुस जाएगा, अरे भाई मैं तो लाइन पे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं 20 पॉइंट का अपने ऐसे लूंगा अपना हट जाऊंगा यहाँ से। जब ये लाइन टू लाइन ट्रेडिंग वाला ऑप्शन आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो सर मतलब कि आपके जितने भी साइकोलॉजी वाले जो ऑप्शन दिमाग में आते हैं वो मतलब कि मान लीजिए कि 80% तक वो 80-70% रिकवर हो जाते हैं। आप राज सर से पूछो, राज सर ने तो बनाया है और वो मतलब कि कितना सक्सेस रेशियो है उन सब चीजों का। सर वो वैसे तो ठीक चलता है, बट लेकिन वो जैसे आप बता रहे हो ना लाइन पे, बस उसमें कभी कभी यही होता है कि कैंडल जैसे रनिंग कैंडल में कई बार इतना लंबा हो जाएगा तो फिर वहां पे थोड़ा सा डर आने लगता है। मतलब वही ना सर, जैसे आप सिर्फ इतना सोचेंगे कि मैं तो ऐसे लूंगा वो भी 20 पॉइंट का या टारगेट लूंगा, तो फिर डर का जगह ही नहीं है। एक्चुअली सर हम लेते हैं ना कि कैंडल क्लोज होने का वेट करने के बाद ही लेते हैं, वही सीखा भी है जी, तो बस वही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो एंट्री मिल जाती है, बस कभी कभी बस वो छूट जाती है, तो उसी कभी कभी का अफसोस नहीं करना है। वही गलती करवाएगा वही चीज तो होती है वही पर आप एक चीज और सर देख सकते हो सर, जैसे मैंने बहुत सारी चीज देखा है, मार्केट जब उस लेवल पे आता है ना तो होल्ड हो जाता है। मतलब एक जगह मतलब वो 3-4 कैंडल बना, अगर आप स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे जाओगे 3-5 मिनट पे जाओगे तो मार्केट वहीं पे उसी लेवल पे 2-3 बार कैंडल बना देगा। इट मींस कि ये है कि अब मार्केट जिस मान लीजिए कि नीचे जाना था, मतलब ऊपर जाना था लेकिन नीचे आ गया, लेकिन वो अपने सब नीचे से ले आया कि उसको मार्केट को सपोर्ट से ऊपर जाना है, तो मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करना चालू कर देगा। प्राइस एक्शन वाले बहुत सारे लोग भाई लोग बोलते हैं कि वहाँ बॉक्स पूरी काम कर रही है। सर एक्चुअली वो ये है कि साइकोलॉजी उसके पीछे ये है कि वहाँ पे वो राइटर्स का कन्वेक्शन जोन आ गया, मतलब वो बहुत ही लो वैल्यू पे आ गई ये कॉल वैल्यू। अगर आप वहां से हम एक रिस्क लेंगे, एक हम वहां तक जा सकते ऊपर तक, और उसी बीच में हम लोग ना हमने किसी अपने उवाई का डायरेक्शन देख लिया, वहीं से उवाई ने भी अपना डायरेक्शन बदल लिया, तो हमारे पास कन्फर्मेशन ज्यादा हो गया ना। मतलब हमारे पास कितना 70-60% का चांसेस हो गया बिन रेशो। चलिए शिवम कामले जी बोलिए सर। सर गुड आफ्टरनून सर। जी सर गुड आफ्टरनून, बताइए सर। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं एक्चुअली मतलब से हूँ मार्केट में, मैंने हालांकि बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज कर, बॉलिंजर बैंड, वीएफ, आरएसआई, 20 एमए, 50 एमए, मैंने क्लास करवाया था वहाँ पे, मुझे सुपर ट्रेंड का भी सिखाया गया था जी। ये सब सारे किए मैंने, बट क्या मतलब मैं अभी तक वो ग्रीन में आया नहीं हूँ। फ्रेंड्स लोग एलपीटी यूज, मैं अकेला उनमें हूँ। हाँ, तो फ्राइडे के दिन का भी ट्रेड हम लोग मतलब जो एलपीटी है वो मेरे साथ ही रहता है, बट वो हम लोग गूगल मीट पे ट्रेड करते है साथ में मिलके। तो थोड़ा हो रहा है कि फ्राइडे को ट्रेड था जहाँ से अपने कॉल लेने को, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग ने पुट लिया था अपना 20 पॉइंट का एसएल रहता है, मैंने वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया, जिसमें एलपीटी कैलकुलेटर के जहाँ पे एवरेज करना चाहिए था। हाँ, तो एवरेज का तो मैं करता था, अगर आपने मुझे बोला था कि आपको जाके फिर से ट्रेड डबल क्वांटिटी में, तो मैंने उसका एवरेज नहीं किया, मैंने उधर जहाँ से वो ट्रेड बन रहा था वहां से मैंने पुट लिया और मेरा तो वो लॉस कवर हो गया। बट इसमें अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैंने वो सब इंडिकेटर सब हटा दिए, अब मैं सिर्फ वो यूज कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना सवाल है कि अगर डीप इन द मनी डेल्टा 6.6 का है, जैसे कि आपने बोला था 20,200 का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, 200 रुपए का जो प्राइस रहेगा वो लेंगे अपन, तो वो एसएल देगा 20 पॉइंट्स का अपना स्पॉट का, ये अपने को इसमें भी 20 पॉइंट्स ही लॉस होंगे ना स्ट्राइक प्राइस से। हम लोग स्पॉट प्राइस पे 20 पॉइंट का एसएल देंगे, वहां पे 20 पॉइंट्स नहीं पहुंचेगा, कम ही रहेगा। ओके, तो ये अगर टारगेट पे भी जाएगा तो उसका प्राइस भी कम ही बढ़ेगा ना। हाँ, लगभग मतलब अगर 40 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है ना तो आपको 30-35 पॉइंट 32 पॉइंट मिलेंगे प्रीमियम में। ओके सर, थैंक यू, यही पूछना था मुझे। और दूसरी बात, 3 मिनट पे करना है कि 5 मिनट पे करना है उसमें? नहीं, तो अगर दिक्कत हो रही है तो 5 मिनट पे रखिए। अच्छा, 5 मिनट पे वो चलेगा, क्योंकि मैं ये बॉलिंजर बैंड कर रहा था, मैं लाइन पे आया तो पुट लेता था और नीचे से आया तो मैं कॉल लेता था, स्कैल्पिंग करता था। ये दिक्कत हो, मतलब मैं तो 2011 में जब ट्रेड करता था
सब तो फोन सिर्फ वो हाँ, तो उसके बाद बीच में सब शादी हो गया, फिर थोड़ा सा गैप हो गया ट्रेडिंग में, मैंने फिर से चालू किया, तो बहुत आसान हो गया। पहले तो मतलब टीम व्यूअर पे लैपटॉप पे चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये फार्मिंग डिस्यूजा सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वो आपका मेरा, मैं अभी दो अढ़ाई साल से मैं ट्रेडिंग में है, और एक्चुअली मैं इंडिकेटर से हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा था। एक्चुअली मेरे को सबसे इंटरेस्ट था डेटा बेस के ऊपर ये करने के लिए, और आपका जो एओसी मिला उसके अंदर मैं बहुत खुश हुआ। आपको थैंक यू वेरी मच जो आप लोग ने ये फ्री हम लोग को दे दिया, और उसके अंदर जो मैं इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं कर, तो आपका जो ये है बहुत मेरे को सपोर्ट किया। और अढ़ाई साल से मैं बहुत सा लॉसेस कर रहा, प्रॉफिट भी कर रहा था, लॉसेस कर रहा था, लेकिन कभी कभी वो लैगिंग इंडिकेटर्स रहता है ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स बहुत कुछ होता है आदमी को। और बात है अभी इमोशन के लिए हम सब पब्लिक को बोल रहा है कि आपका हमेशा एक टारगेट होना चाहिए कि भाई हम लोग दो लॉट पे काम करने का, और मिनिमम प्रॉफिट हम लोग को यही रेंज पे रखने का, जो हमको पर डे 2000 बनाना है या 3000 बनाना है, ये टारगेट अगर आप फिक्स करेगा ना, हमेशा इमोशन आप फेस नहीं करेगा, हम प्रॉफिट में ही रहेगा, यही मेरा सबके लिए बोलने का ये। देखिए सर, आप पैसे में अपना टारगेट और लॉस ना कैलकुलेट कीजिए, आप अपने लेवल टू लेवल, उसमें कभी कहीं हो सकते आपको 4000 प्रॉफिट हो जाए, कभी हो सके 4000 लॉस भी हो जाए एक सेल में भी, लेकिन आपको लेवल टू लेवल करने हैं। उसके कारण हो सकते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ठीक, आपकी क्वांटिटी, और इसलिए आप पैसे अब ट्रेड ले लिए ना, उसके बाद से वो कितना प्रॉफिट कितना लॉस में चल रहा है वो मत देखिए, वो बहुत आपको मैनिपुलेट करेगा, वो नंबर से है ना, वो दिमाग पे चढ़ जाता है। ओके, अरे सर अभी 800 प्रॉफिट था, फिर 400 हो गया, निकल जाऊं क्या, जैसे निकलते हैं फिर वो 1200 हो जाता है। करेक्ट, उस पे ध्यान मत दीजिए, आप लेवल पे देखिए, लेवल पे आ रहा है जिस प्राइस में भी चल रहा है, स्टॉप लॉस के लेवल पे आया है, स्टॉप लॉस ले लेंगे जिस भी प्राइस पे हो, और उसको रिग्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका डिसीजन आगे चल के और खराब करेगा ये। एग्जैक्टली सर, मेरे को एक बता दीजिए, ये हम लोग किस में, ये जो भी हम लोग ये प्रीमियम लेता है ना, इन द मनी लेना है कि आउट ऑफ द मनी लेना है ज्यादा करके? और हमेशा इन द मनी लेने का। निफ्टी में कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लगभग 200 के आसपास की जो प्रीमियम चल रही है वो वाला हम लोग सिलेक्ट करें। अच्छा अच्छा, ओके। ज्यादा आउट भी नहीं मांगता है, ज्यादा लंबा भी नहीं मांगता? नहीं, जितना नीचे जाएंगे इन द मनी जाएंगे उतना बेटर है। मैं 200 के आसपास क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपका एवरी डे का वो इन्वेस्टमेंट फिक्स हो जाए। अगर एक लॉट कर रहे हैं 200 के प्राइस का, कोई भी प्रीमियम उठा रहे हैं एक लॉट कर रहे हैं, तो वो फिक्स हो गया ना लगभग। हाँ, मैं डेली 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो डेली मेरा 10,000 से ही ट्रेड होगा। ओके ओके, हाँ सही, मालूम पड़ा। थैंक यू वेरी मच साहब। हाँ, संजीव दुबे जी, संजीव दे, लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए। चलिए आखिरी में मैं एक बात बता दूं, आप नोट लिख लीजिए, कभी भी ट्रेड लेने से पहले खुद को एक सवाल करना है, मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, बस इतना अपने आप को पूछना है कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी लाइफ पार्टनर है, बेटा बेटी कोई भी है, तो उससे बात कीजिए, देख मैं यहाँ से ट्रेड लेने जा रहा हूँ क्यों, ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है। यकीन मानिए इससे ना चमत्कार ही होंगे, इतने से फायदे क्या क्या होंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आप सही ट्रेड लेने वाले हैं या नहीं। अगर आपकी वाइफ है, बेटी है, बेटा है, पेरेंट्स है, कोई भी है, उनको बोलिए कि देखिए मैं यहाँ से ऐसा वाला ट्रेड लेने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस, बीच में जो डर लगता है ना, वो नहीं लगेगा। प्लस और दूसरी बात क्या होगा ना, आप गलत ट्रेड लेने वाले होंगे ना, तो जब आप जवाब देंगे ना, आप हिचकिचाएंगे खुद ही, अरे यार मैं क्यों ट्रेड लेने जा रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं लूं। आप अपना डिसीजन चेंज भी कर पाएंगे, अगली बार जब रेड कैंडल बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने अपने बेटे को बताया था कि मैं ये ट्रेड ले रहा और अभी भी वैसा ही मुझे दिख रहा है। एक ही सवाल करना है आपने आपसे कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, खुद को एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो सुने या ना सुने, वो समझे या ना समझे, मतलब नहीं है, आप एक्सप्लेन कीजिए अपने हिसाब से, करके देखिए एक दो दिन, फिर बात करेंगे हम लोग। अगर कोई नहीं है ना, तो डायरी पे लिखिए कि मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, इसने टाइम पे ये कैंडल मुझे दिखा था, ऐसे कंडीशन दिख रहे थे, इसलिए मैंने ट्रेड कर लिया। जी मिस्टर खान सर, हैंड रेज किए हैं आप।
यस सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साइकोलॉजी तो सर ऑलवेज मेरी ऐसी है जो बाकी मैंने लोगों की देखी, तो मैंने कुछ कंक्लूजन में निकाला तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, अगर जिसको लगे वो उससे कुछ ले सकता है। बाकी मेरे भी यही प्रॉब्लम है, शुरू में यही रही, अभी भी यही चल रही है। कुछ पे मैंने कुछ कंट्रोल कर लिया और कुछ पे नहीं हुआ है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले कुछ समय में अगर एओसी के साथ जुड़े रहे तो मेरे साथ साथ बाकी सभी का भी उद्धार होना लगभग तय। सर इसको ग्रुप में भेज दीजिए ना खान साहब। यस सर, यस मैं बिल्कुल भेजूंगा। थैंक यू सर। मैंने यहाँ पर इसलिए पेस्ट कर दिया क्योंकि कुछ लोग ग्रुप में पढ़ते भी नहीं है कुछ। मैं ऑफिशियल में डाल दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप डाल। सर हेलो। जी सर। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अभी मैंने हाल ही में आपके एओसी के बारे में अपने एक मित्र के माध्यम से जाना। ट्रेडिंग तो करीब लगभग बहुत ज्यादा समय नहीं, मैं पिछले करीब 8-9 महीने से कर रहा हूँ और 8-9 महीने से मैं देखा जाए तो ओवरऑल लॉस में ही हूँ। 2 दिन प्रॉफिट होता है, 3रे दिन पूरा प्रॉफिट पीछे का भी चला जाता है, इतना लॉस हो जाता है। तो कुछ ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं दिन में जब सुबह ट्रेड शुरू करना चाहता हूँ तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ, कि एओसी में सबसे पहले क्या चेक करूँ, क्या देखूँ, कि उसके बाद फिर ट्रेड सेटअप एक मतलब स्टेप वाइज हमको क्या चेक करने चाहिए। पहले तो आप सबसे पहले लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जब लेवल पे आएगा तो अपना डिसीजन बनाएंगे, लेवल के बीच में रहेगा तो कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे, आराम से देखेंगे मार्केट को। जी उसके अलावा और कोई सेटअप नहीं है सर। और आज का पूरा सेटअप, आज का पूरा सेटअप साइकोलॉजी पे है, डर। अच्छा। डर पे बाकी सर, जी जी कोई यूट्यूब ग्रुप है जहाँ से मैं एओसी को यूज करना प्रॉपर ढंग से मैं सीख सकूँ उसको? हाँ सर, यूट्यूब पे वीडियो है, प्लेलिस्ट है। अच्छा, एओसी के नाम से मैं अगर यूट्यूब पे सर्च करूंगा तो मिल जाएगा? हाँ सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। मैं सीखना चाहता हूँ इसको प्रॉपरली, मैं अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चला पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको सीख लूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओम प्रकाश सर नमस्कार। सर बोलिए। जी ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश यादव सर। जी स्काई सर। सर आपका नाम सूर्य कुमार यादव तो नहीं है ना? अभी भी बर्थडे गया है, हैप्पी बर्थडे बोल देते। एसके भाई बोलिए। सर आधार पैन सपोर्ट विकास भारती। हेलो। जी सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं ये आपका एओसी काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। मैंने रात में देखा, मतलब इस मंथ में सर ग्रीन में हूँ, मतलब इतने दिन मतलब लॉस करने के बाद, ये सितंबर का महीने मैंने हर दिन ट्रेड किया लेकिन ओवरऑल अभी मैं ग्रीन में हूँ सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक और रिक्वेस्ट है, वो बड़ी बात नहीं है। आपके आपके साइकोलॉजी में फर्क आया कि नहीं, आपके सोचने के तरीका में, आपको मार्केट देखने के तरीका में फर्क आया कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? सर वो वही तो सर, जब आपके साथ रहता हूँ सर तो कॉन्फिडेंस बहुत रहता है सर। मतलब जब आप मीटिंग सर उस समय थोड़ा सा जब आप बताते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा जब मार्केट देखते हैं तो वो नेगेटिव साइड चले जाते हैं सर। क्यों सर? धीरे धीरे सीख रहे हैं सर, आ जाएगा और कॉन्फिडेंस। अभी तो ग्रीन में आ गया सर, मैं रात में देखा, मैं बहुत अच्छा लगा सर मुझे। और एओसी तो सर बहुत बढ़िया है। मैं रहता भी हूँ ना तो मुझे उम्मीद रहती है कि सब कोई क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन जो सीधे सीधे मान लेते हैं कि हाँ यहाँ से पुट लेना ठीक है पुट ले लेते, वो नहीं सीख पाएंगे, माफ कीजिएगा, लेकिन वैसे लोग नहीं सीख पाएंगे जो सवाल नहीं करते हैं। जी जी। और सर एक और रिक्वेस्ट थी आपसे सर। जी सर। सर जी आप मतलब जो मीटिंग करते हैं सर, तो इसमें आप अपना फेस भी रिवील करिए करिए ना सर। कर देंगे सर, उससे बैंडविड्थ जाता है, डाटा ज्यादा यूज होते हैं और कुछ नहीं होता है सर। आपके दर्शन हो जाया करेंगे, आवाज से ही सब मोटिवेट रहते हैं सर, लेकिन और ये आपका मतलब फेस रिवील रहेगा तो और अच्छा लगेगा सर। इसके लिए मुझे लाइट लगानी पड़ेगी, कैमरा लगाने पड़ेगा। जी जी ठीक है सर, आपको जी ठीक है, थैंक यू सर। जी विकास कुमार सर। विकास कुमार भारती सर। जी सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं ऐसे तो असल यही कुछ 3-4 महीना से इसको सीख रहे थे विनय सर के माध्यम एलसीपी के, लेकिन सर आपका हम जुलाई से, आप तो हम 1 महीना से आपको देख रहे थे, तो जितना मतलब आपके साथ यानी कि आपका मतलब कॉन्फिडेंस आता है उतना विनय सर का एलसीपी से नहीं आता। अब मतलब ये नहीं है कि इनका बुरा या अच्छा ही नहीं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं कि जब मैं अभी अभी क्या एओसी में कुछ अपडेट हुआ जो कि अभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। इससे पहले जो था डेल्टा और वो क्या बोलते हैं आईबी एक ही था, अभी एलटीपी अलग हुआ है। तो पहले होता था कि ये हो जाते थे कि ओआई चेंज अगर जिस तरफ का पुट या कॉल का कम है या डेल्टा आईबी कम है तो मार्केट यानी कि अगर कॉल साइड में कम है तो मार्केट बुलिश रहेगा, और
जस्ट लाइक इसका उल्टा होता था कि पुट साइड में ओआई और डेल्टा कम रहता था, मार्केट बेयरिश होता था सर। लेकिन अभी थोड़ा एलजीपी आ गया है और चेंजेस होने की वजह से जो नहीं तो इससे पहले मतलब अच्छा प्रॉफिट वाला लेता था ये उसके बाद सर कंफ्यूज हो रहा है। एलजीपी आ गया है तो इससे आपको नहीं पता है, उस चीज से कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? तो सर जैसे कि मतलब रोज देखते थे हम मार्केट से 3:30 तक देखते हैं, तो पहले ये होता था कि डेल्टा आई भी अगर आई चेंज अगर कॉल साइड का कम रहता था तो मार्केट बुलिश है, वेरी जस्ट इसके अपोजिट होता था। लेकिन अभी मार्केट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ओ आई चेंज और डेल्टा ये दोनों एक साथ नहीं चलता है, मतलब अलग अलग दिखाने लगता है जिससे कि कंफ्यूजन तो पैदा हो जाता है। कॉल साइड में वाई चेंज ज्यादा है तो पुट साइड में डेल्टा ज्यादा रहेगा ना? नहीं सर मैं ये बोल कॉल साइड में अगर डेल्टा कम रहे चेंज भी कम रहे तो ये थोड़ा सा एलटीपी लेके कंफ्यूजन कर देता है। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सर ये कहना चाहता हूँ जो नया अपडेट एलटीपी आया अभी, है अभी देखिए क्या एलटीपी आने से जो पहले था वो हट गए हैं क्या? जी नहीं मतलब बीच में ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं आप ये बताइए कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हैं? कुछ नया फीचर ऐड किया जो आपको नहीं पता है तो उसे कंफ्यूज कैसे हो जा रहे हैं, उसको मत देखिए ना। हाँ सर हाँ वो माइनस या प्लस में दिखता है जैसे मैं अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर बोल रहे हैं फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, जो चीज आपको नहीं पता है उसके बारे में आइडिया नहीं है तो उसको कंसीडर करके कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वही चला डेल्टा तो डेल्टा पहले था वो डेल्टा है, नीचे बॉटम में स्क्रॉल कीजिएगा वहाँ पे डेल्टा दिखेंगे आपको। और जहाँ तक इमेजिनरी लाइन जो क्रिएट होता है मतलब वो स्पॉट प्राइस है, कोई लाइन वाइन नहीं है, स्पॉट प्राइस वैसे ही दिखाया जाता है। इमेजिनरी लाइन क्या है, वो तो एक्चुअल लाइन है, वो बाउंड्री है, स्ट्राइक प्राइस को डिवाइड कर रहा है इन द मनी, वो आउट ऑफ द मनी में डिवाइड कर रहा है, इमेजिनरी क्यों है वो? इमेजिनरी क्यों होगा वो? इमेजिनरी मतलब इसलिए हमको वो तो एक्चुअल लाइन है। हाँ उसको एओसी देख के जो लाइन क्रिएट करते हैं हम लोग, लाइन क्रिएट करेंगे हम लोग। चलिए आप 7:30 को मिलिएगा, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है सर, आज का टॉपिक ये नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू जी स्काई सर। हाँ सर बहुत बहुत सॉरी, पिछली बार आपने नाम बोला मैं सुन रहा था बट मैंने अपना माइक ही एक्साइटमेंट में माइक ही नहीं ऑन किया। सारे जवाब भी दे दिए कि हाँ मैं सूर्य कुमार यादव हूँ। हाँ और मैं जवाब भी दे रहा था कि मेरा नाम सर है और मैं माइक भूल गया था ऑन करना है बोलने। तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास दो पॉइंट आए थे सर, यही कि जो अभी नए नए लोग थे, एक राकेश सर थे उससे पहले भी दो तीन, तो इनके लिए था कि ये लोग अपनी एक डायरी बनाए पर डे के हिसाब से कि हाँ आज मैंने एओसी के हिसाब से अगर ये ट्रेड लिया तो ये क्यों गलत हुआ। अगर टारगेट हिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो उस पर लिखे हर रोज की एक अपनी डायरी, हर रोज का एक पेज बनाए कि आज का मेरा ट्रेड ऐसा था, ये किया, ये देखा भाई। तो मतलब लिटरली ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक वीक के बाद बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। वही मैं बोल रहा था ना कि कोई किसी को पकड़ के लाइए और उसको बैठ के बताइए कि मैं यहाँ से ट्रेड लेने जा रहा हूँ, मैंने ये दिखा इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, तो वो चीजें बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, यही था सर। और बाकी टॉप वाले लोग थे तो उनके लिए ये था कि अगर कोई नया आ रहा है तो वो ये सोच के आए कि मैं इतने पैसे हर महीने मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ, लेने के लिए नहीं, सीखना है देने के लिए तैयार हूँ मैं कि हाँ अगर मेरे महीने के 10,000 लॉस में जाएंगे तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ 10,000 देने के लिए, लेकिन उस 10,000 के मेरे को सीखने को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आसानी से नहीं दूंगा। हाँ इतनी आसानी से नहीं दूंगा सर, उस 10,000 को तभी दूंगा मैं जब मेरे को हर रोज सीखने को मिलेगा, और सीखने को तभी मिलेगा जब हर रोज आप एनालाइज करोगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, लॉस क्यों किया, अगर टारगेट हिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है लेकिन लॉस हुआ तो हुआ क्यों। हाँ यही था सर, थैंक यू सर। अब अपने से एनालाइज कीजिए, नहीं समझ पाए तो हम लोग 7:30 बजे आते ही हैं। जी सर अंकित सर। जी गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। जब नया नया ज्वाइन किया था ना तो कुछ समझ में आता ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। सर आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप ये टूल अभी फ्री में हम लोग को दे रहे हैं और इतना सारा सिखाने का आप कोशिश कर रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आई होप कि कुछ सीखने को मिला हो। सभी सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आप
आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा। कामेश सर, खान सर, सबको धन्यवाद। स्काई सर, सबको धन्यवाद। जो सुन रहे थे ध्यान से, सीखने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी धन्यवाद। जो नहीं, जो अटेंडेंस लगा के चले गए, उनका भी धन्यवाद। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। आज 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 क्या क्या सीखे हैं, एक बार क्या करते हैं, अपने इमोशन को आप कर सकते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है आपके अलावा। तो आपको अपने हिसाब से, अपने लिए, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, कोई आपको जिंदगी भर ट्रेड भी नहीं करा सकता, कोई आपकी डिसीजन भी नहीं ले सकता। डिसीजन आप ही का रहेगा, डिसीजन आप ही की रहेगी, गलती भी आपका रहेगा, और अच्छे डिसीजन बुरे डिसीजन सारे आप ही के रहेंगे। एक और बात कि आप पहले ट्रेडिंग में आने से पहले एक बात ये सोचिए कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, नया वेंचर शुरू कर रहे हैं। आज शुरू किया, कल करोड़पति बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कितना भी खतरनाक, कितना भी बढ़िया स्टार्टअप हो, आज का कल वो प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। शुरू में कैश बर्न करने पड़ते हैं, लेकिन आसानी से नहीं करेंगे। सीखने के लिए फी देंगे, लेकिन 10 रुपया फी देंगे तो 100 रुपये की ज्ञान भी लेंगे, लेसन भी 100 रुपये के लेंगे, ठीक। और ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है और दिमाग वाला बिजनेस है। इसमें आप जितना दिमाग लगा पाएंगे, उतना बेटर आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। मार्केट आपको लॉस देती है तो मार्केट से बदला मत लेने जाइएगा, नहीं तो जोड़ का थप्पड़ पड़ेगा। जमीन चाटते हुए नजर आएंगे अगर आप मार्केट से चले गए, हाँ देख लूंगा तुझे। तो रिवेंज वाला ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। अपने रूल्स को आप डिसाइड कीजिए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आज का कल फॉलो कर लेंगे पॉसिबल नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते जाना है। हमको क्या करना है कि अपने रूल्स बनाने हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब, जो यहाँ पे मैं 100% बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस फेज में नहीं आया हो, जो जिनको डर नहीं लगता हो। कितने भी बड़े ट्रेडर हो, लॉस से सबको डर लगता है, प्रॉफिट में सब ओवर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल कर पाते हैं लॉन्ग रन में वो टिक पाते हैं। नहीं तो शेयर मार्केट में रोज 30-40 हजार अकाउंट खुलते हैं, डीमेट अकाउंट खुलते हैं इंडिया में, और उतने ही लोग छोड़ते भी होंगे बाजार को डेली। आपको धीरे धीरे करना है। एक दिन का लॉस आपका एक वीक में कवर होगा, एक महीने का लॉस आपको 6 महीने में कवर होंगे, एक दिन का लॉस आधे घंटे में कवर नहीं होगा, और उसी दिन कवर होगा ये तो और भी मुश्किल है। तो सीखने पे फोकस कीजिए, कोई डाउट हो उस पे क्लियर करने के लिए सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपकी हेल्प करेंगे। सीखने की अगर आप में चाहत दिखी तो, नहीं तो कुछ लोग तो होता है टाइम पास के लिए कुछ भी पूछ देते हैं, कहीं से कोई भी बातें निकाल के पूछ लेते हैं, ना उनको सीखना है ना फॉलो करना है, डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, तो वो क्या ही कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग ग्रुप से। ठीक, चलिए सर, आपकी जो शेयर मार्केट जो आपने अभी बताया ना, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में आपका शेयर मार्केट जो आपने शुरू की थी ना, उसकी जर्नी का थोड़ा सा एक वीडियो बनाएगा। अरे सर, सबकी वही होती है, शुरू शुरू में आते हैं ना, मस्त पैसा देती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि नहीं देती, लेकिन जब हमारी सोच आ जाती है कि अब तो इसी से पैसा कमाऊंगा, तब वो लपेटने लगता है। मैंने तो लगभग 2012-13 में शुरू किया था, फिर 2016 तक किया, उसके बाद से मैं नेपाल आया तो अपने ऑफिस में लग गया, वहां से 4-5 साल मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं किया हूँ। उसके बाद से ऑप्शंस में फिर दोबारा आया, धीरे धीरे आया, तो उसके बाद लगातार 1-1.5 महीने तो मैं लॉस ही कर रहा था, फिर धीरे 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 करके अब काम करने लगा। और मैं जब से सिखाने लगा हूँ, मेरी खुद की बहुत हेल्प हुई है, जितना मैं अभी नहीं सोच पा रहा था ना, जितना आप लोगों को बताते समय सोच लेता हूँ, रहती है तो सोचती है कि हाँ तुम बताने के टाइम में तो बता देते हो, अपने के टाइम में कैसे भूल जाते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है मुझे। सर जाते हैं कि एक ऐसा लोग यहाँ से ट्रेड बन रहा है, यहाँ से ऐसा ट्रेड बन रहा है, अभी मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, फिर भी मैं बोलता हूँ सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो बस। हेलो सर जी सर, लोगों को ये सोचना चाहिए मार्केट में पैसा डाल तो रहे हैं, लेकिन पहले ये सोचो
कि मैं उस पैसों को गार्ड कहाँ से करूँगा, बचा के कैसे रख सकूंगा। पहले ये दिमाग में सोचो कि मैं उस पैसों को खर्च नहीं करना, मैंने उस पैसों को खर्च कर दिया तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा। तो पहले तो आप मार्केट में हो तो पैसा बचाना सीखोगे तो अपने आप में रूल फॉलो करोगे कि भाई मुझे वो लाइन से मुझे लेना है, बीच में से लूंगा तो मेरा पैसा जाएगा। मतलब पहला एक चीज सोचो कि आप जो मान लो 10,000 है और आप एक नए ट्रेडर हो। ये सब अब कल बात करेंगे, लेट भी हो रहा है। तो ये सर कि सब 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 जो भी है, देखिए मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो था मैं बता दिया हूँ, दिखाने के लायक भी उतना कुछ नहीं है कि मैं दिखा दूँ अपना PNL दिखा दूँ वो दिखा दूँ। नहीं वो तो नहीं सर, मैं जो करके आया हूँ जो हो रहा है मेरे साथ वही कर रहा हूँ। आजकल स्टेबल इनकम चल रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट चल रही है, फिर भी मैं नहीं दिखाऊंगा। सही बात है सर, ठीक है ना। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ सब आप जो आपका जो इतना इतना सर एक्सपीरियंस जो आपका इतना बड़ा मिल रहा है सर, वो ही बहुत है, बहुत है। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है और इधर तक रुकना है, ये भी आपके पास से समझ में आया तो बहुत हो गया सर, बहुत बहुत बड़ा काम। एक चीज बस बता दीजिए, जैसे आप बता रहे हैं कि 2012 में आपने शुरू किया और मार्केट डायनेमिक जैसे हम सुनते हैं कि चेंज होता रहता है, तो उस समय में और इस समय में सर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब आपने कुछ नोटिस किया या कुछ आप हाईलाइट किया? सर उस टाइम में मुझे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं प्रॉफिट करता था। आज मैं सोचता हूँ कैसे हो रहा था वो पता नहीं। उस टाइम में अशोक लेलैंड 12-11 के टाइम में चल रहा था, मैंने खरीदा था, 100 हो गया था 2-3 महीने में, पता नहीं कैसे हुआ था ये भी नहीं पता। आप कैंडल स्टिक वगैरह देख के सर? अरे सर उस टाइम में उतना यूट्यूब का भी जमाना नहीं था, उतने कंटेंट नहीं थे यूट्यूब पे भी। मेरा पहला अकाउंट शेर खान में था, वो घर आके खोला था, वो थोड़ी गाइड किया था कि हाँ ये होता था, ऐसे होता था, तो मैं देखता था कि बढ़ रहा है तो खरीद लेता था, घट रहा था, फिर बाद में जो चेंज हुई ना साइकोलॉजी, अब घट गया है इतना, अब कहाँ इससे घटेगा, वहां से मेरा गेम खराब होने लगा, तो मैं धीरे धीरे साइड हटने लगा। पहले कुछ पता नहीं था, पहले सिर्फ ऐसे करता था कि हाँ बढ़ रहा है तो मैं बाई कर लेता हूँ और वो अच्छे चल जाता था, ठीक, मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं था। फिर मेरी पता नहीं सोच कैसे बदली, कुछ आर्टिकल TV वगैरह यहाँ वहां देख के कि जब नीचे आए तो बॉटम से बाई करो, वो एक्चुअली बता रहे थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस समय फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो जब घट रहा देखता था मैं भी कि जो सबसे ज्यादा गिरा है ना 4% 5% जो गिर गया है वो बाई कर लेता था, और शुरू में तो ऐसे ही किया था तो वो बाई कर लेता था, उसमें फंसने लगा गंदा, तो फिर मैं धीरे धीरे करके साइड हो गया। उसके बाद से इंजीनियरिंग कम्प्लीट हुई और यहाँ नेपाल आ गया, स्टार्टअप चलाए, और इंजीनियरिंग करते समय भी मैं फ्रीलांसिंग थोड़ा करता था, एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट में भी मैंने बनाया था, अच्छे खासे रिवेन्यू जनरेट होते थे, तो वही पैसे में लेके आ गया था यहाँ स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्टअप एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था, वो उतने सक्सेस नहीं हो पाए यहाँ पे, उसका भी कारण है, एक तो था कि मुझे कॉमर्स से नॉलेज नहीं था, मैं तो वहाँ इंडिया में अभी फ्लिपकार्ट मिंत्रा बहुत पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम में, वो देख के आ गया कि मैं नेपाल में बन जाऊंगा, नेपाल का पहला बन जाऊंगा, ऐसा करने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, तो वहां पे फेल हो गया। फिर IT कंपनी अच्छी चली, अभी भी चल रही है, यही था मेरा जर्नी सर। और वैसे मुझे फार्मिंग का बहुत शौक है, ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक में मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, सोचता हूँ अर्ली रिटायरमेंट के बाद यही करूंगा। आपसे बस एक चीज सबसे बड़ी सीखने को यही मिलती है कि बस सीखते जाइए और बढ़ते जाइए। गलतियाँ तो होती है, जब गलतियाँ तो होती सबसे होती है, अभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं कल से नहीं करूंगा, हो सके कल मंडे फिर से लॉस हो जाए, तो वो बड़ी बात नहीं, बस सर। हेलो सर, सर मैं सिर्फ एक ही पूछना चाहूंगा, ट्रेड ITM वीकडेज में करना है, लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन OTM करेंगे तो OTM एक्सपायरी के दिन 1:30-2 बजे के बाद सर? हाँ तो OTM करेंगे तो जल्दी डीके भी होगा, लेकिन वहाँ पे एक फायदा रहता है, आपका रिस्क टू रिवार्ड बहुत बढ़िया रहता है, और कोई रीजन नहीं है, वाले भी होंगे OTM वाले भी होंगे। ओके सर, वही पूछना था क्योंकि वो जीरो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना OTM। हाँ तो इन द मनी वाले भी जीरो हो सकते हैं, आप 5 रुपए को जीरो करता देख पाएंगे, 50 को जीरो होता देख पाएंगे 5 रुपए को, इसीलिए रिस्क रिवार्ड जो है ना हमारे फेवर में रहता है 1:30-2 बजे के बाद एक्सपायरी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, प्रीशियस टाइम।